वेलकम टू लॉन्च पार्ट एजुकेशन मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जुलाई महीने के सबसे इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे और खासकर जो एडिटोरियल ओपिनियन ओपेड पेजेस में न्यूज पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस हुए वो सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट लेट सी इस महीने यानी जुलाई 2021 में कौन से अहम मुद्दे थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे फॉर प्रिलिम्स एंड मीन ऑफ यूपीएससी एज वेल एज स्टेट सिविल सर्विसेज हेलो एवरीवन कोविड नाइन्टीन पैंडमिक और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली फाइनेंशियली सफर कर रही हैं ऐसे टाइम में इफ यू हैव द स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग एन आई एस और आई पी एस ऑफिसर तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्राप दिस ऑपरचुनिटी एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे वी आर गोइंग टू अनाउंस अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑन आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल टेलीग्राम चैनल लॉन्च पेड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा एंड इफ देर आर लिमिटेड सीट यू कैन ग्राफ दिस ऑपरचुनिटी आप आई एस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इशूज तो कुछ इशूज ऐसे थे जिन पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियोज आ चुकी हैं ये कुछ ऐसे भी इशूज थे जिनके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन की जरूरत थी फॉर एग्जाम्पल अमेरिकाज एग्जेट फ्रॉम अफगानिस्तान तो उनको मंथली ग्रंटफेयर्स में ना डालने की बजाय हमने सेपरेट वीडियोज में बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंसिवली डिस्कस किया है डिफरेंट वीडियोज आपको मिल जाएंगी ऑन अमेरिका एग्जिट्स अफगानिस्तान देन आई पी सी सी इंटरगमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इनकी रिपोर्ट आई थी जो एक बहुत ज़रूरी ही रिपोर्ट है और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड अगर कोई सबसे ज़रूरी एक सिंगल रिपोर्ट है दैट इज दिस रिपोर्ट और ये इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है एंड वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आर टेम्परेचर्स बिलो वन पॉइंट फाइव डिग्रीज तो क्या अर्थ सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था आईपीसीसी रिपोर्ट को देन वी आल्सो डिस्कस द टू चाइल्ड पॉलिसी ऑफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स सो दैट वाज इन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी पी सिलेबस सोसाइटी सोशल जस्टिस इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है ये देन ये फंडामेंटल राइट right से भी रिलेटेड है कि आप कितने बच्चे पैदा करोगे क्या ये सरकार डिसाइड करेगी या फिर इंडिविजुअल्स और कपल्स डिसाइड करेंगे देन असम और मिजोरम दो तो इंडिया की स्टेट्स आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर इस तरीके से लड़ पड़ती हैं कि पुलिस फोर्स के कुछ जवान शहीद हो जाते हैं तो क्या ये डिस्प्यूट था क्या सारी हिस्ट्री है इस इशू की ये भी हमने डिस्कस किया देन अ वेरी आउटस्टैंडिंग सीरीज फॉर यू सी सैट क्लासेज फॉर फ्री सो ये पलक मैम शीज फ्रॉम आई आई टी एंड ये सभी क्वांट और रीजनिंग के टॉपिक्स जो आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं शी इज़ गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सीरीज तो आप ये सीरीज देख के अपनी सी सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से कर सकते हो देन वी ऑल्सो डिस्कस माला बार एक्सरसाइज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था नैशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन डिस्कस की हमने इसके ऊपर तो हजारों आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इन ऑल द न्यूज पेपर्स इन टी वी मीडिया एज वेल इसकी डिस्कशन चल रही है ये बहुत पोलिटिकली सेंसिटिव इशू भी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड है इंडियन इकोनमी से रिलेटेड है डिसइनवेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इसके ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई थी देन दिल्ली के अंदर अभी सर्दियां आने वाली हैं तो दोबारा से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाएगी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा तो वहाँ पे एक फर्स्ट स्मॉग टावर इंस्टॉल किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तो ये सारे करंट अफेयर्स दे कीप कमिंग ऑन आर चैनल तो ये करंट अफेयर्स अनअवॉइडेबल हैं इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यू आर सपोज टू कवर ऑल दीज करंट अफेयर्स देन इन दिस वीडियो हम कौन से टॉपिक्स कौन से इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो जुलाई महीने से इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल से लिए गए हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एड बैकग्राउंड कुछ रिसर्च कुछ वैल्यू एडिशन और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक्स रहेंगे हमारे कंपनसेशन टू द कोविड विक्टिम्स तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस काफ़ी चर्चा में रहा सुप्रीम कोर्ट में पटिशन्स लगी थी कि जो कोविड के कारण मर गए हैं लोग उनको कुछ कंपनसेशन देना चाहिए सरकार को सरकार देना नहीं चाहती थी तो वॉट हैपन वी विल सी राशन कार्ड रिफॉर्म्स डायरेक्टली मैंशनड इन द यूपीएससी सिलेबस इज रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस तो राशन कार्ड में क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं देन कुछ प्राइवेट कंपनीज के सी या फॉर्मर सी उन्होंने स्पेस तक जर्नी की अपनी प्राइवेट कंपनी से बनाई गई स्पेस शिप्स का इस्तेमाल करके फिर असम स्टेट का कैटल प्रजर्वेशन बिल दैट वाज आल्सो इन द डिस्कशन कल्चरल जेनोसाइड इन कनाडा तो ये कल्चरल जेनोसाइड कुछ हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है कि कैसे ये जो वाइट मैं बर्डन एक थ्योरी वाइट स्किंड यूरोपियंस ने अपने ऊपर सारी दुनिया को सिविलाइज़ करने का जिम्मा ले लिया था एक समय पर और सारी दुनिया को ये कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर गए थे बट नाउ इनकी जो हिस्ट्री सामने आ रही है कैसे इन्होंने जो ओरिजिनल इन्ेबिटेंट्स थे नॉर्थ अमेरिका के न्यूजीलैंड के उनको मिसट्रीट किया उनके बच्चों को किस तरीके से मार के स्कूल्स के अंदर ही गाड़ दिया गया था हज़ारों ग्रेव्स अब निकल रही हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एथिक्स के लिए ऐसी कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सो कल्चरल जेनरसाइड के बारे में क्या कुछ सामने आया कनाडा से रिलेटेड ये इशू है देन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यू एक एक्टिविस्ट थे जिनके ऊपर कुछ स्टेट के खिलाफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम था ही वॉज़ वेरी एजड और उनकी जेल में ही बेल मांगते मांगते डेथ हो गई तो ये लॉ जो है इससे बहुत सारे लोग बेल नहीं ले पाते हैं बेल एक बेसिक ह्यूमन राइट है एज पर द इंटरनेशनल कन्वेंशन जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते हो यू आर प्रज्यूम टू बी एन इनोसेंट पर्सन जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो तो आप इनोसेंट ही माने जाओगे और ये ऐसा एक कानून बना दिया गया है जिसमें आपको बेल नहीं दी जाती तो कुछ लोग जेल के अंदर ही मर जाते हैं अभी केस कब डिसाइड होगा क्या वो दोषी थे या नहीं थे ये बाद में पता लगेगा सो वी आर टू डिस्कस द आस्पेक्ट रिलेटेड टू यू सेक्शन 66 ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर स्टेट सरकारों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को डांट लगाई बिकॉज ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इसके तहत लोगों के ऊपर केसेस दर्ज हो रहे हैं इंडिया के पुलिस स्टेशन में देन मांगर बनी पेंटिंग्स ये कल्चर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ uh, थी ये हम डिस्कस करेंगे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम जो हमारे इंडियन बैंक्स में है उनको सॉल्व करने के लिए एक नई कंपनी एक नया स्टेप लिया गया है इससे पहले कौन से स्टेप्स लिए गए थे और ये कितनी कामयाब हो पाएगी ये जो इनिशिएटिव है या फिर ये भी फेल हो सकती है क्या प्रोस्पेक्ट हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कॉन्जुगल राइट्स इन सुप्रीम कोर्ट क्या एक वाइफ का खुद का कोई राइट right है अपनी बॉडी के बारे में डिसाइड करने का या फिर एज पर द लॉज ऑफ दिस कंट्री वॉट एवर द हजबेंड वॉन्ट्स द वाइफ हैज टू डू ये कुछ पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं और जो प्रेजेंट हमारे लॉज हैं वो बड़े इ लॉजिकल हैं दे आर काइंड ऑफ एंटा वुमेन सो ये हम डिस्कस करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा ये आने वाले टाइम में पता लगेगा देन पेगसस स्नूपिंग स्कैंडल हुआ था इंडिया में इस सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों पर जासूसी की गई और वो भी इस तरीके से की गई कि शायद उनके कैमरा फोन्स लगातार सर्वेलेंस करने वाली सरकार को ये दिखा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं कहाँ पे हैं एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन वॉज बीइंग ओवर सीन यूजिंग दिस सॉफ़्टवेयर ये कौन स्नूपिंग कर रहा था कौन ये जासूसी कर रहा था ये अभी तक क्लियर नहीं है लेकिन जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है वो बोलती है कि हम ये सॉफ्टवेयर बेचते ही सिर्फ सरकारों को हैं हम प्राइवेट किसी व्यक्ति को कंपनी को ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचते हैं तो कौन सी वो सरकार थी क्या इंडियन सिटीजन्स और जर्नलिस्ट और जो भी और लोग थे एक्टिविस्ट वगैरह उनके ऊपर भारत की ही सरकार जासूसी कर रही थी या फिर कोई और सरकार कर रही थी तो इसको इसका पता तो लगाना चाहिए ये हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमारे सिटीजन्स की प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक सीरियस इशू है और इसी से जुड़े हुए हैं इंडिया में अगर सरकार को इंडिया की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जासूसी करनी पड़े तो कौन से ऐसे कानून हैं जिसके तहत लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किए बिना सर्वेलेंस की जा सकती है सो वी आर गोइंग टू सी वेदर दीज लॉज आर बींग फॉलोड और नॉट फिर कुछ डिमांड्स उठनी दोबारा से शुरू हुई हैं कि इंडिया में कास्ट सेंसस होना चाहिए कास्ट डाटा जो है वो सेंसस रिकॉर्ड नहीं करता सेंसस इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में रिकॉर्ड करता है और भी बड़े सारे फैक्ट्स वहां पे रिकॉर्ड किए जाते हैं लेकिन कास्ट रिलेटेड डाटा नहीं हम रिकॉर्ड करते हैं इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा डाटा रिकॉर्ड किया जाता था अब नहीं किया जाता तो हमारी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं या अपलिफ्टमेंट जो एस सी एस टी ओ बी सी और बाकी सेक्शन्स की हम करना चाहते हैं वो बिना डाटा के हम कैसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे इफ वी वॉन्ट टू फिनिश दिस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन आर सोसाइटी तो हमें डाटा तो चाहिए ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें लेकिन एक दूसरी साइड भी है वी विल सी दैट एज वेल नेक्स्ट वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स में स्पीशीज रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं विच आर लिटल बट डिफिकल्ट बट ये तो एक बहुत पॉपुलर वलनर स्पीशीज है हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ये बहुत थोड़े रह गए हैं दे आर इन हंड्रेड्स और कच्छ में जो हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं ये क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और क्या कोच ने इसके बारे में बात की वो हम डिस्कस करेंगे फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे इंडियन साइट्स में दो और साइट्स एड हुई हैं वन वॉज धोलावीरा उसके ऊपर भी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट वीडियो एज वेल और ये सारी वीडियोस की इमेजेस जो हमने देखी वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एक और टेम्पल है तेलंगाना में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस वीडियो एज वेल फिर एक चिरासी कोस परिक्रमा अयोध्या में यूपी की सरकार बना रही है वॉट इज़ दिस रिलेटेड टू आर कल्चर सो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा फैक्ट रहेगा करंट अफेयर रहेगा देन भारत में जो बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं सभी लोगों की आपकी हमारी वो कितनी सेफ हैं बहुत सारे बैंक्स अभी रिसेंटली करप्शन स्कैंडल्स में इन्वॉल्व थे बहुत सारे बैंक्स बर्बाद भी हो गए बैंक करप्ट भी हो गए और जिन लोगों के पैसे थे वहाँ पर वो कभी वापस नहीं आए तो क्या लॉज हैं जो ये रेगुलेट करते हैं कि इनकेस कोई बैंक बर्बाद हो जाए तो वहाँ के जो डिपॉजिटर्स हैं उनको कितना पैसा वापस मिलेगा तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस रिलेटेड जो लॉज हैं उनमें कुछ चेंज किया गया है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इशूज इन दिस वीडियो और जो बाकी वीडियो सेपरेटली डिस्कस हो चुकी हैं चैनल पर ये सभी वीडियोस मिला के अगर आप देखोगे तो आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन दैट विल गेट ऑसम बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉन्च पैड एजुकेशन पर भी मिल जाएगी एंड पीडीएफ विल बी इन टू फॉर्मेट्स वेरी सुन यू विल स्टार्ट गेटिंग अ बुकलेट ऑफ दीज मंथली करंट अफेयर्स वो आपको इनी मंथ्स की जो आप अभी पीपीटी फॉर्मेट में देखते थे पीडीएफ जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वी गॉट अ सजेशन इन वन ऑफ द कमेंट्स ऑन अ वीडियोस दैट यू वांट दैट इन अ बुकलेट फॉर्मेट सो आपको वो भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का नाम है लॉन्च पर एजुकेशन तो वहाँ से आप डाउनलोड करके ये सारी जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं इन वीडियोज़ में उनको आप रीड भी कर सकते हो सो स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट इशू जो कि है कंपनसेशन टू द कोविड विक्टिम्स फर्स्ट इशू वॉज कंपनसेशन टू बी गिवन टू द कोविड विक्टिम्स जिनकी डेथ हो गई थी अब कुछ पटिशन ऐसी लगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें पटिशनर्स ने कहा कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत ऐसा ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर कि जितने भी लोग मर गए हैं उनको कंपनसेशन सरकार को देनी पड़ेगी सो so, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सरकार को 6 हफ्ते का टाइम दिया कि आप जितने भी लोग मर गए हैं उनके फैमिली मेंबर्स को कम्पनसेशन 6 हफ्ते के अंदर अंदर दो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा दैट इट इज अ स्टैचूटरी ड्यूटी कि एक कानून के तहत आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप ये कंपनसेशन दोगे कौन से कानून के तहत कानून का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड सेक्शन टे सेक्शन क्या बात करता है स्टैचु कास्ट अपोन द नेशनल फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू परसन अफेक्टेड बाई अस्टर अब सरकार ने खुद ही कोविड को एक डिजास्टर रिकोगनाइज कर लिया था और इस कानून के तहत जो अगेन सरकार का ही कानून है ये बनता था कि सरकार जो मर चुके लोग हैं उनको एक्स कंपनसेशन दे और पिटिशनर्स ने यही सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दी दैट हर एक मरे हुए व्यक्ति के परिवार वालों को चार लाख रुपए मिलने चाहिए सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी गवर्नमेंट वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में क्या अपनी रिक्वेस्ट दी कि जो टर्म शेल है सेक्शन ट्वेल्व ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में उसे मे मान लिया जाए वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड मे इन एनी एक्ट कानून में क्या होता है जहां पे शेल लिखा है तो करना ही पड़ेगा सरकार को इफ इट वॉज मे सरकार कुड हैव डन इट और कुड नॉट हैव डन इट अब शैल क्योंकि कानून में लिखा है सेक्शन 12 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में तो ये मैंडेटरी है कि कंपनसेशन सरकार को देनी ही पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा दैट द लैंग्वेज यूज इन द प्रोविजन इज वेरी क्लियर वेरी प्लेन एंड अनएम्बिगियस की कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं रह जाता है जो लैंग्वेज कानून में लिखी गई है तो जब कानून में लिखा था शैल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो शैल ही पढ़ेंगे उसे हमारी इंटरप्रिटेशन अब ऐसे चेंज नहीं हो सकती कि एक डिजास्टर आ गया लोग मर गए एंड दे आर आस्किंग फॉर मनी दे फैमिलीज नीड मनीट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू आर सही कि अब हम पैसे नहीं दे सकते तो इसकी इंटरप्रटेशन ही आप डिफरेंट पढ़ लो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्या है ये सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और ये एक्ट दो में बना था जब इंडिया में और दुनिया के काफी हिस्से में सुनामी आई थी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की डेथ हुई थी प्रॉपर्टीज वेस्ट हुई थी तो ऐसे डिजास्टर से लड़ने के लिए हमने इस एक्ट को बनाया था ताकि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और स्ट्रेंथन किया जा सके ये सेक्शन 12 की बात कर लेते हैं हम नेशनल अथॉरिटी शैल रिकमेंड गाइडलाइंस करना ही पड़ेगा फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन अफेक्टेड बाई डिजास्टर विच शेल इंक्लूड तो किस तरह के रिलीफ देने पड़ेंगे उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड इन रिलीफ कैंप्स जैसे कि शेल्टर फूड ड्रिंकिंग वाटर मेडिकल कवर सैनिटेशन तो ये मिनिमम चीज़ें करनी पड़ेंगी सेम सेक्शन कहता है कि जो विडोज़ हो जाएंगी और बच्चे जो अनाथ हो जाएंगे लाइक कोविड नाइन्टीन में भी बहुत ज़्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं ऐसा ही हुआ था सुनामी में भी बहुत सारे बच्चे ऑर्फनस हो गए थे और उनकी इलीगल अडोपशनस होने लग गई थी काफ़ी बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई दे वेंट आउट ऑफ इंडिया इन टू द इ मार्केट तो वो बच्चे कभी भी रेस्क्यू नहीं किए जा सकते तो अकॉर्डिंगली एज पर आर एक्सपीरियंस हमने ये एक्ट को बनाया था देन थर्ड क्या रिलीफ प्रोवाइड करना है सरकार को एक्सप्राशिया असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एज ऑल्सो असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू हाउसेज एंड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड तो डिजास्टर में काफी लोग अपनी लाइवलीहुड खो देते हैं घर खो देते हैं लाइफ खो देते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे कौन से सेक्शन को इंक्लूड किया गया है स्पेसिफिकली विडोज ऑर्फनस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया वुमेन एंड किड्स दे आर डिपेंडेंट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो अगर घर का जो अर्निंग मेल मेंबर है वो मर जाए तो विडोज एंड ऑर्फन्स दे एटलीस्ट नीड सम टाइम और उस टाइम पे उनको कुछ बेसिक नेसेसिटीज तो मिलनी चाहिए सो दैट दे स्टार्ट वर्किंग दैम सेल्स अगर वो कर पाए तो एंड सच अदर रिलीफ एज एक्ट में लिख दिया गया ये सारी they are mentioned in section 12. ये आपने याद रखना है ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो की बना था दो हजार पांच में ना वाई इज दिस पटिशन वेरी जस्टिफाइड और क्यों पिटिशनर्स के हक में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया मार्च दो हजार बीस में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने खुद ही डिक्लेयर किया था कि कोविड 19 एक नोटिफाइड डिजास्टर है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो होता क्या है सरकार को कुछ ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं तो आपको अगर डिज़ास्टर को मैनेज करने के एक्सक्यूज से आपने उसे नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया है तो आपको उसी एक्ट के तहत कंपनसेशन भी तो देनी पड़ेगी एंड दीज वेलरेबल सेक्शन दे नीड सम सोशल क्वेश्चन एज वेल सो ये इट वॉज मच नीडेड एज वेल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस आर्ग्यूमेंट को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया दैट जो कंपनसेशन देनी पड़ेगी दैट विल बी बियॉन्ड द फिजिकल अफोर्डेबिलिटी ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है इतने ज्यादा लोग मर गए हैं कि गवर्नमेंट इज से हमारे से इतना पैसा नहीं दिया जाएगा एक इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो जाएगी अगर हम पैसा देना स्टार्ट कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को भी नहीं माना सुप्रीम कोर्ट बिलीव्ड कि सरकारों के पास काफ़ी पैसा है एंड देन यू सी अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस डिज़ास्टर काफ़ी ज़्यादा डेथ्स तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई हैं ये एक बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश फैक्ट हो चुका है कि काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हर एक स्टेट ने रिकॉर्ड ही नहीं की थी हमने देखा था कि गंगा में और बाकी नदियों में लाशें बहती हुई मिली सो वर दीज पीपल उंटेड कोविड नाइन सारी पेपर पे कोविड से हुई दिखाई ही नहीं गई अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ हुई ही नहीं मोस्ट ऑफ द स्टेट हैड सफिशियंट ऑक्सीजन विच इज अ वेरी ह्यूज जोक और कोई भी इस, इस बात को मानेगा नहीं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आज तक दे रही है गवर्नमेंट ने इस केस में जो कॉम्पनसेशन के लिए केस था उसमें ये भी आर्ग्यू कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है इट इज़ नॉट एनविजेज टू प्रोवाइड कम्पन्सेशन फॉर द कोविड नाइनटीन पैंडमिक विच हैज अ लास्टिंग और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अनलाइक अदर नेचुरल डिजास्टर्स तो सरकार कह रही है कि बाकी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक फ्लड ये तो सडन होते हैं कोविड नाइन्टीन जो डिजास्टर है ये तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है तो इसके लिए कॉम्पनसेशन देनी नहीं बनती है सोनाओ थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट अगेन कि ये जो लोग जिनके अपने चले गए हैं उनको कुछ पैसा मिलेगा कुछ देर तक तो वो अपने एजुकेशन हेल्थ के खर्चे अपने खाने पीने के खर्चे वो पूरे कर सकेंगे वी हैव सीन इन इंडिया कि जब भी जो वलरेबल सेक्शंस हैं चाहे वो माइग्रेंट लेबरर्स हों जो पहले लॉकडाउन में पैदल चलना स्टार्ट कर गए थे काफ़ी लोगों की डेथ्स हो गई एवरी टाइम सुप्रीम कोर्ट स्टैंड अप फॉर दीज पीपल सरकारें पार्लियामेंट्स जिनका ये असल में काम है वो कभी भी प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेती हैं एंड दिस इज़ वॉट नीड्स टू बी चेंज ये एक रिकमेंडेशन हो सकती है वे फॉरवर्ड हो सकती है कि हमारी पार्लियामेंट्स को हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को थोड़ा और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि जो लोगों को ज़रूरत है वो ऐसे एग्जेक डिसीजन लेने के लिए सरकार को मजबूर करे का काम एग्जेक को ही करना चाहिए वो अभी नहीं होता है में आके के पास ही लोग जाते हैं जुडिशरी सो दिस वॉज अबाउट द कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट से ही आफ्टर ऑल रिलीफ मिला एक और वेलरेबल सेक्शन को मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट करंट अफेयर इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो कार्ड तो एक देश का एक राशन कार्ड अगेन माइग्रेंट लेबरर्स को इससे बहुत फायदा होने वाला है हमने एक लाइव सेशन में यूट्यूब पर ही इसके बारे में डिस्कशन की थी सो वी इंटरेक्टेड इन दैट सेशन एंड वी डिस्कस्ड कि ये इशू क्या है इससे यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट माना जाएगा एंड क्या कुछ फ़ायदे होंगे आफ्टर दिस रिफॉर्म सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जर्नी टू द स्पेस आने वाले कुछ सालों में स्पेस टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है एंड उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है वर्जिन ग्रुप के जो फाउंडर हैं रिचर्ड ब्रांसन उन्होंने पांच और लोगों के साथ एक ट्रिप ली एंड उनकी ही एक कंपनी है उसकी ही एक स्पेसशिप थी द नेम ऑफ द स्पेसशिप वाज वीएसएस यूनिटी स्पेसशिप एंड दे वेंट टू द एज ऑफ द स्पेस तो स्पेस के एज तक जाके ये वापस आए हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स यू कैन से एक आने वाले टाइम में टूरिज्म के लिए कि जो लोग स्पेस में जाना चाहते हैं वहां पे जाके उस एक्सपीरियंस को जीना चाहते हैं फॉर दैट दीज थिंग्स आर स्टार्टिंग सो दे टुक ऑफ फ्रॉम न्यू मैक्सिको एंड दे रीच एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एटी फाइव किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ एंड वहां से फिर वो वापस आ गए एंड दिस इज अ ट्रिप विच वी आर कॉलिंग सब ऑबिटल फ्लाइट रिचर्ड ब्रैंसन ने भी एक ऐसी ट्रिप ली है जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं सेकेंड ट्रिप वॉज टेकन बाई एमेजोन्स जेफ बेजोज तो एमेजोन के जो मालिक हैं जेफ़ बेजोज ही ऑल्सो अंडर टोक अ ट्रिप टू द एज ऑफ द स्पेस उनकी भी एक अपनी कंपनी है ब्लू ओरिजन उसका एक स्पेस क्राफ्ट था उसमें उन्होंने भी कुछ लोगों के साथ ये ट्रिप ली टू तो द एज ऑफ द स्पेस और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे लोग ऐसी ट्रिप्स लेंगे एंड ऑलरेडी जो ब्रांसन की वर्जन इलेक्टेड कंपनी है उसने छः सौ लोगों की रजिस्ट्रेशन कर रखी है एंड ट्रिप लेने का अगर आप जाना चाहते हो स्पेस यू कैन ऑल्सो गो इट विल कॉस्ट यू वन एटी सिक्स करोड़ रुपीज़ तो अगर आपके पास ये पैसे हैं तो आप ये स्पेस ट्रिप ले सकते हो नाउ ब्रेंसन एंड बेजोस ये दो कंपनीज हैं इसके अलावा टेस्ला बनाने वाले जो इलान मस्क हैं उनकी भी एक कंपनी है स्पेस एक्स दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू समथिंग सिमिलर दे आर ऑल्सो गोइंग टू सेंड पीपल ऑन दीज टूरिज्म टू द स्पेस और ये सभी कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं इनका एक फीचर ये है कि ये स्पेस ट्रिप्स को स्पेस मिशन को बहुत चीप बना देते हैं एज कम्पेयर टू नासा नासा बहुत महंगे स्पेस मिशन भेजा करता था और जब स्पेस एक्स ने ब्लू ओरिजन ने वर्जिन ग्लेक्टिक ने ये सभी स्पेस मिशन अंडरटेक करने स्टार्ट कर दिए तो उसके पैसे बहुत कम आ गए और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था दैट दे वर यूजिंग द रीयूजेबल रॉकेट्स तो इनके जो स्पेस शिप्स थे दे कोड बी रीयूज ये दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते थे नासा के जो ज़्यादातर स्पेस मिशन जाते थे देवर ऑन द रॉकेट्स जो दोबारा यूज नहीं हो सकते थे ना सिर्फ ये एक टूरिज्म अपॉर्चुनिटी खुलेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिसर्च क्योंकि ये फ्लाइट्स जाएंगे तो कुछ ना कुछ ये रिसर्च करके आएंगे तो साइंटिफिकली भी हमें कुछ और चीज़ों के बारे में पता लगेगा अब ये स्टार्टिंग है इसलिए बहुत एक्सपेंसिव है आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव करेगी तो ये सस्ता होता जाएगा सो यू शुड ऑल्सो स्टार्ट कलेक्टिंग मनी एंड वेन यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी यू कैन ऑल्सो गो ऑन दिस स्पेस ट्रिप्स देन नेक्स्ट हमारा इशू हम जो डिस्कस करेंगे वो है असम का केटल प्रजर्वेशन बिल अब एक तरफ तो दुनिया स्पेस के एज पे जा रही है दूसरी और इंडियन स्टेट्स दे आर पासिंग सच लॉज जिससे इतनी कॉमनल पोलराइजेशन हो सकती है डिफरेंट कम्युनिटीज दे स्टार्ट फाइटिंग फॉर दीज कैटल प्रजर्वेशन बिल्स तो ये क्या बिल है असम की जो स्टेट कैबिनेट है अभी अभी इसने इस बिल को पास किया है अभी ये एक्ट नहीं बना है ना दिस एक्ट इट कैन डीपन कॉमनल पोलराइजेशन इट कैन डिस्रोप्ट डेयरी एंड कैटल ट्रेड तो इकोनॉमिक भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और इट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द डाइट पैटर्न ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उसमें कैटल यानी बीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इवन साउथ इंडियन स्टेट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनकी डाइट का बीफ दे कंज्यूम बीफ और उन स्टेट्स में बीफ पे बैन नहीं है लेकिन जब से हम इंडिपेंडेंट हुए थे इन द नेहरूवियन एरा नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी कैटल प्रिजर्वेशन की कोशिशें की जाती थी उसके क्या कारण थे वो भी हम डिस्कस करेंगे असम में ऑलरेडी एक 1950 का एक्ट है जो ऐसे ही कैटल को स्लॉटर किस तरीके से किया जाएगा उसको रेगुलेट करता है और कैटल को बचाने की टेंडेंसी थी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब से ही ऐसी एक टेंडेंसी थी वो इसलिए थी बिकॉज हम एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए कैटल बहुत ज़रूरी चीज़ है सो डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी चीज़ है तो अगर हम इस, इन दो ट्रेड को बैलेंस नहीं करते तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान हो जाता अगर हम स्लॉटर बहुत ज्यादा कर दें तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान होगा तो इसलिए हमने उसे रेगुलेट करने की कोशिश की एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की अब जो लॉ है इट गोज बियॉन्ड द नाइनटीन एक्ट द नाइनटीन एक्ट जो रेगुलेट करता था स्लॉटर को और ट्रेड को कैटल के ट्रेड को किस तरीके से किया जाएगा अब ये जो प्रेजेंट प्रपोज्ड लॉ है जो बनने जा रहा है इट इन्जेक्ट्स रिलीजियस एंगल बाय मार्किंग कॉमनल जोग्राफीज तो ऐसा कहा गया है कि कुछ एरियाज में ज़्यादा रेगुलेशन होंगी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी कैटल स्लॉटर पे, और ये कौन सी जोग्राफीज़ हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्यूनिटी रहती है एंड यू नो दैट इज़ अ रीज़न कि इससे जो कॉमुनल टेंशनस हैं सोसाइटी में वो बढ़ेंगी तो ये जो बिल है प्रपोज्ड इसका ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है ये आपकी सोसाइटी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कॉम्युनालाइजेशन सेक्युलरिज्म दीज वर्ड्स आर मैंशनड इन द यूपीएससी सिलेबस सो आई होप यू आर हैविंग दैट सिलेबस विद यू आपके पास होना चाहिए आपके स्टडी टेबल पे यू शुड हैव दिस यूपीएससी सिलेबस ऑलवेज नाउ दिस प्रोविजन इसको देखते हैं टू एंटर पुलिस को क्या पावर्स दी हैं इस बिल ने टू एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी वेयर द द हैज रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन और इज लाइकली टू बी कमिटेड तो अभी कोई भी क्राइम हुआ नहीं है लेकिन पुलिस फोर्स को लगता है कि हो सकता है तो किसी भी प्रेमिस में घुस सकती है पुलिस वहां पे इंस्पेक्शन कर सकती है एंड दे कैन सीज एनी मटेरियल्स और कार्कसिस जो मरे हुए जानवर हैं उनको सीज कर सकती है या फिर कैटल को या फिर व्हीकल्स को किसी भी और कन्वेंस को ट्रक्स हों या फिर पिकअप ट्रक्स हों किसी भी चीज को वो सीज कर सकते हैं विच हैव बीन और लाइकली टू बी यूज इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस जो इस ऑफेंस के लिए यूज किया गया हो या फिर किया जा सकता हो तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कैसे एक पुलिस वाले को फ्यूचर के बारे में पता लगेगा एक इंसान के हाथ में या फिर कुछ अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स उनके हाथ में ऐसी आर्बिट्रेरी पावर दे देना दैट कैन बी वेरी डेंजरस और इंडिया में पुलिस फोर्स के ऊपर कितना ट्रस्ट है वो कितने प्रोफेशनली काम करते हैं ये भी रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बताया इन्होंने एक सेपरेट कंटेक्स्ट में एक बात कही दैट थ्रेड टू ह्यूमन राइट्स इट इज़ द हाइएस्ट इन द पुलिस स्टेशंस तो अगर कहीं पे मानवाधिकारों को खतरा है तो वो सबसे ज्यादा इंडिया के पुलिस स्टेशंस के अंदर है ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे हाइएस्ट जज सो इनका ओपिनियन इट हैज टू बी काउंटर्ड इन तो अब पुलिस को ऐसी पावर्स अगर दी जाएंगी तो वी कैन इमेजिन वॉट कैन हैपन पुलिस टॉर्चर से जो लोगों की डेथ्स हो जाती हैं वो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है इवन वेन नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड तो पुलिस के पास ऐसी पावर है कि वो किसी के व्हीकल्स मशीनरी कैटल सब कुछ सीज कर सकता है तो उनको इकोनॉमिक नुकसान होगा तो हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट कैटल प्रोटेक्शन लॉज इन द पास्ट ड्रू देयर रैशनल कि उनके पीछे लॉजिक क्या था लॉजिक ये था दैट वी वर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी द फार्म इकोनमी इन इंडिया हैज बिन रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड सिंस दो तब से लेके अब तक बहुत चेंज आ चुका है अब मैकेनाइजेशन हो चुकी है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन की अब जो हमारा फूड ग्रेन सेक्टर है वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो चुका है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वी आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स तो वी आर नॉट दैट डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स राइट सो दैट इज वाई अब इतना ज्यादा इस चीज़ को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है कि कैटल्स को मारा ना जाए फॉर रिलीजियस रीजनस अब ये जो कानून है ये रिडांडेंट हो चुके हैं एंड दे वेट टू बी रिपील्ड तो इनको रिपील करना ही बाकी रह गया है अब एक नई टेंडेंसी इंडिया के स्टेट्स में स्टार्ट हो गई है दे आर ट्राइंग टू टेक एक्शंस जो नाइनटीन सेंचुरी इकॉनमी के लिए ज़रूरी थे ट्वेंटी सेंचुरी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी नहीं थे और उसके पीछे का जो कारण है दैट इज रिलीजन अब चीफ मिनिस्टर असम के जो हैं नए चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा उन्होंने इसको जस्टिफाई करते हुए कहा दैट दिस लॉ इज नीडेड बिकॉज दीज एनिमल्स दे आर रिस्पेक्टफुल टू द बिलीफ्स ऑफ हिंदूज जेंट्स तो हम इकोनॉमिक डिसीजन नहीं ले रहे हैं वी आर टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटीज ना वो दूसरी कम्युनिटीज कहेंगी कि हमारी तो ये डाइटरी प्रैक्टिस हैं हम हमारा तो खाना है ये इफ यू आर बैनिंग वन एनिमल वाई नॉट बैन एवरी अदर एनिमल देन आप जो खाते हो नॉन वेजिटेरियन फूड उसको भी बैन कर दो बिकॉज योर रिलीजियस बिलीव कैन नॉट बी मोर इम्पॉर्टेंट देन समबड़ी एल्स रिलीजियस बिलीव तो ये दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट है और इसमें हमने बात की थी कि जोग्राफिकल जो एंगल इसमें लाया गया है वो रिलीजन से बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है लाइक like, बिल की एक प्रोविजन है जो क्रिमिनलाइज करती है किसी भी ऐसे काउ स्लॉटर या कैटल स्लॉटर को विद इन फाइव किलोमीटर रेडियस ऑफ अ हिंदू टेम्पल तो हिंदू टेम्पल के आसपास आप नहीं करोगे कैटल स्लॉटर नो सी व्हाट इज़ सस्टेनेबल फॉर इंडिया इंडियन सोसाइटी इंडिया की सोसाइटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए वी कैन नॉट से दैट माय बिलीव शुड बी टेकन केयर ऑफ मोर इंपॉर्टेंटली देन समबडी एल्स बिलीव अब व्हाट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टिल नाउ इंडिया सोसाइटी द कम्युनिटीज़ दे आर डिवाइजिंग वेज टू लिव टूगेदर विदाउट ऑफेंडिंग द सेंसिटिबिलिटीज ऑफ देयर नेबर और इन्वाइटिंग द इंक्लूजन ऑफ द स्टेट स्टेट नहीं डिसाइड करती है आपको क्या खाना है पहनना है कितने बच्चे पैदा करने हैं एंड इंडियंस की ये भी जिम्मेदारी है सिंस वी लिव इन अ डाइवोर्स कंट्री कि हम एक दूसरे की सेंसिटिविलिटीज का अपने आप ध्यान रखें अगर किसी को काउस लॉडर से दुख पहुंचता है तो अगर हम उसे अवॉइड कर सकते हैं वॉलेंटरली बिना सरकार की किसी भी रिस्ट्रिक्शन बिना उसे क्रिमिनलाइज किए दैट दैट कैन बी द बेस्ट थिंग एंड पीपल शुड हैव द फ्रीडम एंड स्पेस टू डू वॉट एवर दिच टू डू इन देयर होम्स असम is the gateway to the northeast नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट to अ होम consume कम्युनिटीज विच कंज्यूम बीफ तो बीफ कंज्यूमिंग कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा रहती हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम से ही ये सारा ट्रेड होकर जाता है सो यू कैन इमेजिन बीच में असम आएगा असम में ये सारे लॉज हैं तो कितने लोग मॉब लिंच हो सकते हैं बिकॉज शक के आधार पर बहुत मॉब लिंचिंग होती है आजकल इंडिया के अंदर एंड अलॉड ऑफ दीज इश्यूज़ आर गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट की जो कंजम्पशन पैटर्न हैं उसको चेंज करने का अगर कोशिश किया जाएगा दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट दैट एनी डिस्ट्रप्शन ऑफ कैटल ट्रेड इन असम विल इम्पैक्ट द सप्लाई ऑफ मीट इन मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश तो ये स्टेट्स पहले से ही ऐसा मानती हैं कि इंडिया की जो मेन लैंड है दिल्ली है जो वो इनको इतना इंपॉर्टेंट ट्रीट नहीं करता और अब तो ऐसा और माना जाएगा कि हमारी जो डेटरी प्रैक्टिसज हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट असम कम्युनिटीज़ की सेंसिटिविटीज दे आर मोर इंपॉर्टेंट तो हमें यहाँ पे एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है नेक्स्ट करंट इशू वॉज कल्चरल जेनासाइड इन कैनेडा बहुत ही पेनफुल न्यूज है कोवसिस फर्स्ट नेशन एक इंडिजिनियस लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है कैनेडा में एंड उन्होंने 751 लोगों के रिमेन्स ढूंढे ये मेनली इंडिजिनियस लोग थे और इंडिजिनियस चिल्ड्रन थे एंड दिस प्लेस जहाँ से ये ग्रेव्स मिली हैं जहाँ से ये स्केलेटन्स मिले हैं ये एक स्कूल हुआ करता था एक रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करता था इन दस्काचुवन प्रोविंस ऑफ कैनेडा इस प्रोविंस में ये कैनेडा के स्टेट में इंडिजिनस लोगों को ये कुछ बच्चों के ग्रेव्स मिले हैं एंड दिस वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी बट नॉट द ओनली डिस्कवरी ये एक लौती डिस्कवरी नहीं थी ऐसे ग्रेव्स की जिसमें इंडिजिनस बच्चे मार के दबा दिए गए थे एंड हम बात कर रहे हैं इस प्रोविंस की इन कैनेडा सो वट हैपन्ड टू दीज इंडिजिनस किड्स इंडिजिनस ग्रुप्स ने दो और ऐसी साइट्स रिकवर की वहां पे भी ऐसे ही फॉर्मर रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करते थे इन ब्रिटिश कोलम्बिया इट्सल्फ एंड टोटल जो अभी तक अनरजिस्टर्ड ग्रेव्स मिल चुकी हैं मई से लेके अब तक 2021 में दे आर इलेवन तो ये सारे बच्चे जिनकी ग्रेव्स मिल रही हैं उसके लिए कैनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ने क्या कहा ही सेट कैनेडियंस टूडे आर हॉरीफाइड एंड अशेम्ड ऑफ हाउ आर कंट्री बिहेव तो उन्हीं की कंट्री कैनेडियंस ने ही ये कैनेडियंस के साथ किया था सो वॉट हैपन्ड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया जब यूरोप के अंदर रहनसा एलाइटनमेंट ऐसी चीज़ें ऐसे रेवोल्यूशनस आए और मिडिवल टाइम से मॉडर्न टाइम्स में यूरोप जाने लगा तो उसी टाइम पे साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हुई साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के साथ ही जो माइंड की क्यूरियोसिटी थी उसके चलते लोगों ने जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ करनी स्टार्ट की नई नई लैंडस डिस्कवर करनी स्टार्ट की और कैनेडा मिला नॉर्थ अमेरिका मिला पोर्टीज ट्रैवलर्स जैसे वास्कुट गा उन्हें नई रूट्स मिली टूवर्ड्स इंडिया अब इन सभी लैंडस में वहाँ कुछ लोग रहते थे ऑलरेडी द इंडिजिनस पीपल इन लोगों को अगर हम अपनी भाषा में हिंदुस्तान की भाषा में बात करें तो आदिवासी उस एरिया में रहने वाले सबसे पुराने लोग अब ये जब वाइट स्किंड यूरोप से लोग जाते हैं इन एरियाज़ में चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो कनाडा हो अमेरिका हो यहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे वहां के अब ओरिजिनल्स थे वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर उनको उनकी एथनिक क्लिनसिंग करने की कोशिश की गई कि इन सभी कम्युनिटीज़ को कम्प्लीटली मार के ख़त्म कर दिया जाए और वाइट स्किंड यूरोपियंस की नई डोमिनेंस यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाए न्यूजीलैंड में भी माओरीज़ जैसी कम्युनिटीज़ हैं जब भारत के प्रधानमंत्री भी न्यूजीलैंड विजिट पे गए थे वहाँ की माओरी कम्युनिटी ने उनके सामने एक उनका ट्रेडिशनल डांस करके दिखाया था अब ये जो कंट्रीज़ हैं अब इन्होंने अपने पास्ट में किए गए गलतियों को रिपेयर करने की कोशिश स्टार्ट की है दे हैव स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग दे हैव स्टार्टेड रीहेबिलिटेटिंग दीज किड्स बट ये जो पास्ट है इसको मिटाया नहीं जा सकता अब जो ये इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ना सिर्फ मारा गया उनके कल्चर को खत्म करने की कोशिश की गई उनके लैंग्वेज को ख़त्म करने की कोशिश की गई ताकि एक यूनिफॉर्म कंट्री बनाई जा सके उस समय पे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था तो इन बच्चों को भी कैसे इन स्कूल्स में लाया गया जबरदस्ती लाया गया और इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही हैं कि ये स्कूल्स की इन्वेस्टिगेशन की जाए जो भी पास्ट में हुआ है चाहे वो स्कूल्स ऑपरेशनल हैं या नहीं है वो मैटर नहीं करता एंड मेजर्स फॉर रिकन्सिलियेशन को तेज किया जाए इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता इंडिजीनियस कम्युनिटी सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ये माना जाए कि पास्ट में उनके ऊपर ऐसे अत्याचार हुए थे और सरकार इन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिजिनस कम्युनिटीज की डेवलपमेंट के लिए कुछ करे नेशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिजिनस लोगों की दे साइंड एन एग्रीमेंट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी रीक्लेमिंग इट्स राइट टू लुक आफ्टर इट्स ओन चिल्ड्रन तो देखो ये एग्रीमेंट क्या साइन हो रहा है कि ये जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं ये अपनी स्टेट सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन करके ये लिखवा रही हैं सरकारों से कि उनके बच्चों को पालने का अधिकार सिर्फ उनका है तो ये एग्रीमेंट क्यों साइन करवाना पड़ा क्योंकि ये जो रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम था जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था इसका एम क्या था इसका ऑब्जेक्टिव था फोर्सफुली असिमिलेटिंग इंडिजिनस चिल्ड्रन इनटू द यूरोपियन वे ऑफ लाइफ यूरोपियन वे ऑफ लाइफ को ये बेस्ट मानते थे इन्होंने ये सारी दुनिया में सिविलाइज़ करने का जो बीड़ा उठा लिया था अपने आप उठा लिया था इनको किसी ने इन्वाइट नहीं किया एंड ये ज़बरदस्ती अपने तरीके की सिविलाइजेशन को अपने तरीके की वे ऑफ लाइफ को हर जगह एस्टैब्लिश करने की इम्पोज करने की कोशिश करते थे नाइनटीन सेंचुरी में ये ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ जिसमें ये स्कूल्स खोले गए थे एंड ऐसे 130 रेजिडेंशियल स्कूल सारे कनाडा में खोले गए थे इन स्कूल्स की फंडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स था अब यहाँ पे इंडियन जो है इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया इट इज़ अबाउट द इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ इन कम्युनिटीज़ को इंडियन कम्युनिटीज़ भी बुलाया जाता है अमेरिका में भी कैनाडा में भी एंड दीज स्कूल आर रन बाय द चर्चेज एंड मोस्टली कैथोलिक चर्च तो कैथोलिक चर्च भी बहुत ज़्यादा ये अग्रेसिव था उस समय पर कि सबको अपनी वे ऑफ लाइफ सिखाई जाए सबको क्रिश्चियन बनाया जाए सबको कन्वर्ट करवाया जाए सबको इंग्लिश सिखाई जाए यूरोपियन लैंग्वेजेज सिखाई जाए 1883 में जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जॉन ए मैकडोनल्ड उन्होंने इस सिस्टम को पार्लियामेंट में डिफेंड करते हुए क्या कहा यह हमें दिखाएगा उनका एटीट्यूड उस उस समय के कनाडा का एटीट्यूड एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम इज इट हैज बिन स्ट्रांगली प्रेस्ड ऑन माई सेल्फ दैट इंडियन चिल्ड्रन शुड बी विदड्रॉन एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम देयर पेरेंटल इन्फ्लुएंस एंड द ओनली वे टू डू दैट वुड बी टू पुट दैम इन सेंट्रल ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल स्कूल वेयर दे विल एक्वायर द हैबिट्स एंड मोड्स ऑफ थॉट ऑफ वाइट मैन तो जबरदस्ती पेरेंट्स से उनको छीन लिया जाए और यहाँ पर उनको अपना वे ऑफ लाइफ सिखाया जाए और इन बच्चों को करीब डेढ़ लाख बच्चों को इन स्कूल्स में पढ़ना पड़ा जबरदस्ती देवर फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम देअर फैमिलीज एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स మే దేర్ ఎమోషనల్లీ ఫిజికల్లీ అండ్ ఈవెన్ సెక్సువల్లీ అబ్యూస్డ్ ఔర్ యే సారే జో బచ్చే జేన్కి గ్రేవ్స్ అభీ మిల్ రహీ హై వీ కెన్ సే విత్ సమ్ స్పెక్యులేషన్ దట్ దేర్ సెక్సువల్లీ అబ్యూస్డ్ ఆస్ వెల్ తో ఇన్కే సాత్ రేప్స్ హువా కర్తే థే ఉన్కో apni language बोलने की आजादी नहीं थी उनके फेस्टिवल्स उनका कल्चर प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं थी इन स्कूल्स के अंदर एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाई गई थी 2008 में जिसने ये एस्टीमेट किया कि करीब 4100 चिल्ड्रन ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हुए गायब हो गए या मर गए कमीशन ने यह भी कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच अ कंक्लूजन ऑन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेथ्स क्योंकि इनकी जो स्कूल्स की बरियल पॉलिसी थी वो बॉडीज वापस पेरेंट्स को इसलिए नहीं देती थी बिकॉज ये स्कूल्स का कहना था इस पर खर्चा बहुत हो जाएगा और दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दिस मनी ऑन द इंडिजिनियस किड्स तो दिस वॉज अबाउट दिस कल्चरल जेनोसाइड जो कैनेडियन कम्युनिटीज एक समय पर किया करती थी मूविंग ऑन टू अ मोर प्रेसिंग इशू अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यू एक बहुत सख्त एक्ट है टेररिज्म से लड़ने के लिए बनाया गया है या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज से लड़ने के लिए ये एक्ट बनाया गया है अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है बिकॉज एक व्यक्ति थे एक फादर थे क्रिश्चियन प्रीस्ट थे ये स्टैन स्वामी जो ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट भी थे ट्राइबल जो आदिवासी उनके अधिकारों के लिए लड़ते थे एंड ये जुडिशल कस्टडी में थे इनके ऊपर कुछ केसेस थे एंड He was asking for bail और जेल के अंदर ही वॉज ऑल्सो आस्किंग फॉर अ सिपर कि पानी पीने के लिए मुझे एक सिपर दे दिया जाए क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे डिजीज़ थे कि उनके हाथ कामते थे वो पानी नहीं सही तरीके से पी पाते थे एंड द अनफॉर्चुनेट is कि मरने से पहले इंडिया ने उनको एक सिपर तक अलाट नहीं किया था जेल के अंदर now ही अल्टीमेटली डाइड और बेल मांग रहे थे उनको बेल नहीं मिली उनकी बेल की एप्लीकेशन्स अभी भी कोर्ट में लगी हुई हैं बट ही इज़ नो मोर अब इससे एक डिस्कशन स्टार्ट होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में कि क्या ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रिंजेंट है इज दिस लॉ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ अब दिस यू ट्रेंडर्स इट डिफिकल्ट फॉर वन हेल्ड अंडर इट टू ऑबेन बेल बेल मिलना बहुत मुश्किल है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन की एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि जो फादर स्वामी थे उनकी डेथ हो गई अब हम इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं दिस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये बहुत ज्यादा डिबेट में है नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट इस एक्ट के तहत जो केसेस रजिस्टर होते हैं जो लोग अरेस्ट होते हैं उसका नंबर भी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है सो लेट अस सी व्हाट दिस एक्ट इज ऑल अबाउट इसका ओरिजिन कैसे हुआ था क्यों जरूरत पड़ी थी क्या बैकग्राउंड है क्या हिस्ट्री है इस कानून की जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में और वहां पर टेबल किया गया था प्रपोज किया गया था उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक आउटबर्स्ट हुई पार्लियामेंट में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ सरकार का इसके बाद सरकार ने एक ऑर्डिनेंस ला के एक्ट को पास करवाया ऑर्डिनेंस में जो एक्ट था जो इनिशियल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट के अंदर उससे डिफरेंट था क्योंकि इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था तो सरकार ने थोड़ा सा टोन डाउन करके इस एक्ट को फाइनली पास किया लेकिन वो भी एज ऑर्डिनेंस लेके आए ट वॉज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 तो कब ये एक्ट बना था 1967 में ये एक्ट क्या प्रोविजन प्रोवाइड करता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सो यहां पे आपको क्या नोटिस करना है इंडिविजुअल नहीं मैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन और हम बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल नाइनटीन में एक्ट बनाया गया था उसकी तो उसकी प्रोविजन थी दैट एक अगर किसी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को अनलॉफुल डिक्लेयर करना हो तो इस एक्ट के तहत किया जा सकता है इफ अगर वो क्या करेंगे इफ दे इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी दैट इंक्लूडेड एक्ट्स एंड वर्ड्स स्पोकन और रिटन और एनी साइन और रिप्रेजेंटेशन दैट सपोर्टेड एनी क्लेम टू ब्रिंग अबाउट द सेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया और इट्स सेसेशन तो मतलब अगर भारत के हिस्से करने की कोई कोशिश करता है या ऐसी कोई बात करेगा या साइन या रिप्रेजेंटेशन से भी ऐसा कुछ प्रपोज करता है शो करता है और एनीथिंग दैट क्वेश्चन और डिस्क्लेम्स द कंट्रीज सॉवरिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तो ऐसे केसेस में किसी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जा सकता था यूएपीए के तहत अब ये क्यों किया जा रहा था सिक्सटीज में क्या हो रहा था इंडिया में सिक्सटीज में बहुत सारी डिमांड्स थी डिफरेंट कंट्रीज बनाने की इंडिया के डिफरेंट हिस्सों में डिमांड चल रही थी कि हम इंडिया का हिस्सा नहीं रहना चाहते और हम एक अलग देश चाहते हैं और उस समय पर सरकार ने ऐसी टेंडेंसीज को सप्रेस करने के लिए इस कानून को पास करवाया पार्लियामेंट के अंदर और ये बहुत स्ट्रिजेंट कानून था इस कानून को बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि ऑलरेडी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो इतना सख्त नहीं था कि ऐसी मूवमेंट्स ऐसी जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी इंडिया के कुछ हिस्सों में उनसे लड़ा जा सके उसके बाद इस एक्ट की जो यू एक्ट था उसकी कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं अमेंडमेंट्स हुई दो में और दो में और जो प्रेजेंट फॉर्म है इस कानून की जो प्रेजेंट फॉर्म है इट कवर्स द डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन एज अनलॉफुल इट कवर्स अ पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट्स एंड एक्टिविटीज और एनी एक्ट दैट थ्रेटन्स द कंट्रीज सिक्योरिटी इंक्लूडिंग इट्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड प्रोविजन टू प्रिवेंट द यूज ऑफ फंड फॉर टेरिस पर्पजेज इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग तो लॉन्ड्रिंगीज के बाद जैसे जैसे नए नए सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडिया ने फेस किए चाहे वो इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को थ्रेट हो या फिर जो टेररिस्ट फंडिंग होती है उसको रोकने की कोशिशें हो सब कुछ इसी एक्ट को अमेंड करके हमने इंक्लूड किया दो बार अमेंडमेंट्स हुई हैं 2004 2013 में 1967 में 1967 एक्ट बना था ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए इस एक्ट के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगाया जा सकता था वो दो साल का था लेकिन दो की जो अमेंडमेंट हुई है उसमें ये बैन पांच साल तक भी लगाने की प्रोविजन कर दी गई देन इंडिया में एक और एक्ट था पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 इसको भी बहुत सख्त माना जाता था और इसका मिसयूज भी बहुत हुआ तो कुछ और कारणों की वजह से इसे रिपील कर दिया किस एक्ट को पोटा को रिपील कर दिया ये कानून नहीं है लेकिन जब पोटा नहीं रहा तो सरकार को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उसको ताकत से कंट्रोल किया जा सके तो सरकार ने क्या किया यू की ही प्रोविजंस को एक्सपैंड कर दिया तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जो 2004 में अमेंडमेंट हुई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि 2002 का जो एक्ट था पोटा उसे कैंसिल कर दिया गया था अब इसमें क्या इंक्लूड कर लिया गया जो UAPA को यूए किया गया उसमें टेरिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया देन चार की अमेंडमेंट देवर ऑल्सो एम्ड एट गिविंग इफेक्ट टू द वेरियस एंटी टेररिज्म रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो हमारी कुछ इंटरनेशनल भी थी उनको फुलफिल करने के लिए भी हमने इस कानून को अमेंड किया था 2019 में दोबारा से इस एक्ट को अमेंड किया गया टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट टेररिस्ट इसीलिए हमने स्टार्टिंग में यह बात की थी कि इंडिविजुअल्स नहीं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ही इंक्लूडेड थे 2019 में दैट मीनस वेरी रिसेंटली सरकार ने दोबारा से इस एक्ट को अमेंड किया और अब इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नाउ हाउ डज डू प्रोविजंस दे डिफर फ्रॉम रेगुलर क्रिमिनल लॉ तो क्यों हमें एक ऐसे कानून की जरूरत पड़ी जो अभी जो हमारे पास सी आर पी सी है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उससे डिफरेंट है द ओनली डिफरेंस इन वेरी सिंपल वर्ड इज दैट यू ए पी ए इज स्ट्रॉगर इट इज हैविंग मोर पावर्स टू डील विद

this is important so you are accused under this act you will be kept for more days your remand will be longer to yehi show karta hai na uapa is stronger than it is having more powers than other laws but ye jo extension hai ye automatically nahi mil jayegi jo sarkari vakeel hoga jo public prosecutor hoga he is going to file a report कि अभी investigation के लिए या फिर कुछ और कारणों के चलते हमें 90 दिन से ज्यादा भी इस व्यक्ति को रखने की जरूरत है तो judiciary उसे allow कर सकती है एंड दिस लॉ मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू ऑप्टेन बेल अब यह बहुत दिक्कत की बात है देखो ज्यादा दिन के लिए किसी व्यक्ति को अंदर भी रखा जा सकता है और बेल लेना बहुत मुश्किल है क्यों मुश्किल है सेक्शन थ्री डी सबसे बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू ए सस्पेक्ट इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द चार्जेस आर प्राइम ऑफ एस ए मतलब ऑन द फेस ऑफ इट ऊपर से ऐसा लग रहा है कि शायद चार्जेस रीजनेबल ग्राउंड पे सही लग रहे हैं तो बेल नहीं दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इस एक्ट को एक्सप्लेन करते हुए इसे क्लैरिफाई करते हुए क्या कहा द कोर्ट कंसिडरिंग बेल कोई भी कोर्ट जो यूएपीए के तहत फाइल हुए केस में बेल की हेयरिंग सुन रही है वो कोर्ट शुड नॉट एग्जामिन द एविडेंस वो एविडेंस को बहुत डीपली टू डीपली एग्जामिन नहीं करेगी बट मस्ट गो बाय द प्रोसिक्यूशन वर्जन जो सरकारी वकील है प्रोसिक्यूटर है उसके वर्जन को ही सही माना जाए अब ऐसे में तो बेल नहीं मिलेगी क्योंकि सरकारी वकील इज ट्राइंग टू से कि जो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये केस दर्ज हुआ है वो गलत है ही इज अ क्रिमिनल तो वो तो यही कहेगा कि बेल नहीं मिलनी चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट अंडर द सेक्शन इज सेइंग कि आपको बहुत डीपली एविडेंस को नहीं एग्जामिन करना है आपको प्रोसिक्यूशन के ही वर्जन के साथ जाना है दिस मीन्स दैट द ओनर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी Is ऑन द एक्यूज जिसके ऊपर इल्जाम है उसी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये शो करने की, की जो केस है वो फॉल्स है बट विदाउट इन्वाइटिंग द कोर्ट टू एवेल्यूएट द अवेलेबल एविडेंस अब कोर्ट जो है उसे एविडेंस नहीं टू डीपली एग्जामिन करना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर इल्जाम है उसके ऊपर है प्रूव करने की कि मैंने कुछ नहीं किया ये केस फॉल्स है तो ऐसे में बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है एंड दैट इज वट इज यही ह्यूमन राइट्स के जो डिफेंडर्स हैं जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है दैट दिस प्रोविजन इज रेकोनियन बहुत खतरनाक है ये ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है बिकॉज बेल इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड दीज प्रोविजन दे रेंडर इट इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू ऑपटेन बेल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता और ट्रायल पूरा होने में बहुत टाइम लग जाता है ऐसे में इसमें फैक्टर्स जो हैं जिसके ऊपर इल्जाम है उसकी गलती नहीं होती है ट्रायल जो है वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं इंडियन कोर्ट्स के अंदर इसके कुछ कारण आप देख रहे हो स्क्रीन में कि हाई कोर्ट्स में जो जजेस की वैकेंसी है पटना हाई कोर्ट में एक टाइम पर सिक्सटी परसेंट जजेस की सीट्स वेकेंट पड़ी थी कैलकटा कोर्ट में फिफ्टी फाइव परसेंट राजस्थान में फिफ्टी फोर परसेंट मध्य प्रदेश फोर्टी नाइन परसेंट आंध्र प्रदेश फोर्टी एट परसेंट सो ऑलमोस्ट ऑल दीज बिग कोर्ट्स यहाँ पर जजेस ही नहीं हैं दैट इज सो so बैड कि जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको ट्रायल जल्दी करवानी है सो so दैट ये प्रूव कर सके या फिर बेल ले सके तो इनोसेंट तो ऐसे चक्कर में मर जाएगा और किसकी गलती है कि ये कोर्ट्स वेकेंट है यहाँ पे जजेस नहीं है जिसके ऊपर इल्जाम है उसकी तो नहीं है बट हिज ह्यूमन राइट हिज और हर ह्यूमन राइट इज गेटिंग violated. नाउ यू कैन सी दिस इज द बैकलॉग ये इंडियन जुडिशरी के बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक तो हमने देखा वेकेंट सीट्स इन द हाई कोर्ट सेकेंड हम देखेंगे जो केसेस का बैकलॉग है अ रिकॉर्ड ऑफ ट्वेंटी वन लाख केसेस अक्रॉस द कंट्री आर मोर देन टेन ईयर ओल्ड दस साल जो चलते जा रहे हैं केस जिससे जिसमें कोई भी फैसला नहीं हुआ ऐसे इक्कीस लाख केसेस हैं एंड आउट ऑफ दीज ट्वेंटी वन लाख फिफ्टीन लाख आर क्रिमिनल केसेस तो क्रिमिनल केसेस भी इतने दस दस ,00 साल तक चलते रहते हैं देन केसेस डिस्पोज ऑफ बाई दर्ट्स वर वन पॉइंट एट वन क्रोर इन टू थाउजेंड ट्वेल्व और 2014 में ये 1.90 पॉइंट नाइन जीरो क्रोथ है सो यू कैन सी कितना मार्जिनल राइज हो रहा है कितनी स्लो प्रोग्रेस है टोटल जो केसेस हमारे पेंडिंग है 2014 का ये डाटा है तीन करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडियन कोर्ट्स के अंदर तीन करोड़ केसेस और जजेस नहीं है एंड जब हम यू जैसे एक्ट्स की बात करते हैं तो सफर करते हैं लोग जिनके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिए जाते हैं अब कौन गलत इल्जाम लगाएगा समटाइम्स द पुलिस फोर्स हमने अभी कुछ

ऑफेंड हो जाती है चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे कोई कार्टूनिस्ट हो चाहे कोई गाना लिखने वाला हो किसी से भी ऑफेंड हो जाती है एंड दे पुट देम अंडर द यू कि ताकि इसकी बेल ना हो सके बिकॉज जो सजा आएगी वो असल में पनिशमेंट नहीं होती है जो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं दिस इज नोन एज अ हरासमेंट ऑफ पीपल नाउ सम्बड़ी कैन से कि क्या पता सरकार ईमानदारी से काम कर रही हो पुलिस ईमानदारी से काम कर रही हो सच में सख्ती बरतनी शुरू की है ताकि इंडिया के अगेंस्ट जो वॉइस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है नाउ इफ द रजिस्टर्ड आर के रजिस्टर्डिंग वाई आर द नॉट राइजिंग जो अंत में फैसला आता है कोर्ट का उसमें सिर्फ टोटल केसेस फाइल जितने लोगों पर होते हैं उनमें से सिर्फ टू पॉइंट टू परसेंट ऑफ द इन द बाकी सब केसेस गलत पाए जाते हैं बाकी सब केसेस में फंसाए गए लोग इनोसेंट पाए जाते हैं ओनली टू पॉइंट टू परसेंट एज रेट बिटवीन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड टू थाउजेंड नाइनटीन सो यू कैन सी कितने गलत केसेस रजिस्टर हो रहे हैं एक्टिविस्ट के ऊपर ऑपोजिशन के ऊपर एंड समटाइम्स तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी केसेस रजिस्टर हो जाते हैं जो अभी यूनिवर्सिटीज़ uh, के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं सो दीज काइंड ऑफ केसेज अल्टीमेटली दे एंड अप इन नॉन कन्विक्शन वो व्यक्ति छूट जाते हैं लेकिन उसके बीच जो हेरासमेंट होती है जो वकील के पैसे एंड ऑल दीज दैट इज द बैड थिंग नेक्स्ट मूव करेंगे हम एक टॉपिक uh, जो अगेन सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है कानून से ही रिलेटेड है पुलिस फोर्स की वर्किंग से ही रिलेटेड है सरकार की वर्किंग से ही रिलेटेड है गवर्नेंस से रिलेटेड है दैट इज आर सेक्शन सिक्स एफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस इशू एज वेल सो वट इज द सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सरकार ने दो हजार में एक नया कानून पास किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसमें एक सेक्शन था और एक लॉ स्टूडेंट थी जिसने पटिशन किया सुप्रीम कोर्ट को कि ये सेक्शन बहुत वेग है इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है और इसलिए सरकार इसका मिस यूज करके यूं ही लोगों को अरेस्ट कर लेती है और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत आर्बिट्रेरी है बहुत एक्सेसिवली एंड डिसनेटली इनवेट द राइट ऑफ फ्री स्पीच तो फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कानून को इस सेक्शन को इसको खारिज कर दिया गया इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके स्ट्राइक डाउन कर दिया दैट मीन ये सेक्शन 66 से खत्म हो गया अब ये सेक्शन किसी काम का नहीं रहा एंड नाउ एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में जाती है वो बताती है कि 745 केसेस एक्टिव हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के आगे इन इलेवन स्टेट्स और उसमें जिन पे इल्जाम लगाया गया है जो एक्यूज हैं दे हैव बीन बुक्ड अंडर दिस सेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट वाज ऑब्वियसली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई अबाउट दिस शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स तो सुप्रीम कोर्ट की ये हैरानी थी कि पुलिस फोर्स को पता ही नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले लेती है सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और हमारी जो पुलिस है वो इसी सेक्शन के तहत केसेस फाइल करती जा रही है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है कि आप अपनी अपनी पुलिस फोर्स को एक मेमो पास करो ताकि ये जो जितने भी केसेस आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल

अमेंड किया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इसने गवर्नमेंट को पावर दी टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन एन इंडिविजुअल फॉर एलेजिडली ऑफेंसिव एंड मैनेसिंग ऑनलाइन पोस्ट अब ये वर्ड्स लिखे गए थे कानून के अंदर क्या ऑफेंसिव एंड मैनेसिंग अब सरकार तय करेगी वॉट इज ऑफेंसिव या पुलिस तय करेगी कितनी वेग चीज है तो क्या चीज़ किसी को ऑफेंसिव या मैनेसिंग लग सकती है दैट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल सो so, इस वीकनेस को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था एंड द नेम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वॉज श्रेल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था एंड इट वॉज कंसिडर्ड लैंडमार्क जुडिशियल पुशबैक अगेंस्ट स्टेट इंक्रोचमेंट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सो दैट वॉज अबाउट द सेक्शन सिक्सटी सिक्स है कैसे उसके उसके अंदर ही केस अभी भी दर्ज होते रहे फ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नेक्स्ट इशू जो हम डिस्कस करेंगे दिस इज रिलेटेड टू आर हिस्ट्री एंड कल्चर हिस्ट्री के करंट अफेयर थोड़े होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं मांगरबानी पेंटिंग्स डिस्कवर हुई है एक ऐसी site हुई है और जिस लोकेशन पर यह साइट डिस्कवर हुई है दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट और ये है फरीदाबाद हरियाणा में हरियाणा में इतने बड़े लेवल पर कोई भी प्री हिस्टोरिक साइट नहीं मिली थी प्री हिस्टोरिकल टाइम्स की ये साइट है मांगरबनी हिल फॉरेस्ट फरीदाबाद में जो मिली है एंड इट कैन बी अराउंड वन लाख ईयर्स ओल्ड जो ऐसी प्री हिस्टोरिक साइट्स मिलती हैं वहाँ से आर्क्योलॉजिस्ट बोन्स और बाकी जो वहाँ के रिमेंज होते हैं रिलेटेड टू द टूल्स बिकॉज यहाँ पे ये एक ऐसी एज थी जहाँ पे स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस टाइम के लोगों के बारे में उस हैबिटेशन पे जो लोग रहे थे उनके बारे में कुछ अंदाजा लगाया जाता है उनकी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की जाती है देन ये जो पेंटिंग्स मिलती हैं ये हमें एक उस टाइम की सोसाइटी इकोनॉमी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टूल टोपोलॉजी इट कैन बी सेट दैट द डेट इज बिटवीन वन लैक टू फिफ्टीन थाउजेंड अगो तो इसके बीच में कुछ डेट इस साइट की लाइक करती है ना यू कैन सी ऐसी कुछ पेंटिंग्स हमें मिली हैं इट लुक्स लाइक सम एनिमल हेयर एंड यू कैन सी यहाँ पे भी कुछ जानवर दिख रहे हैं यू कैन सी सम ह्यूमन फिगर हेयर तो ये हिस्टोरियंस इसको स्टडी करेंगे एंड दे आर गोइंग टू एस्टिमेट दैट वॉट इज दिस सीन क्या ये हंटिंग सीन है ऊपर भी यू कैन सी देर आर ऑल्सो सम एनिमल्स सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू गिव अस सम इंडिकेशन अबाउट दिस सोसाइटी ऑफ दिस टाइम इन दिस रीजन विच इज़ हरियाणा

और प्लेओलिथिक जो सबसे पुराना टाइम था वहां की हम बात कर रहे हैं और ये प्लेओलिथिक टाइम्स की सबसे बड़ी साइट है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मिली है जहां स्टोन एज टूल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम ओपन एयर साइट्स एज वेल एज रॉक शेल्टर सो ओपन एयर साइट से भी हमें टूल्स मिले हैं रॉक शेल्टर्स में उस जमाने में जो इंसान था रहा करता था तो रॉक शेल्टर से भी हमें टूल्स मिले हैं मांगरबानी केव पेंटिंग्स फरीदाबाद हरियाणा दिस लेटेस्ट डिस्कवरी इट इज़ गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा एंड टेक इट फर्दर बैक इन टाइम तो ये एक बुरी चीज़ नहीं है फर्दर बैक एंड टाइम वेल डिस्कसिंग हिस्ट्री इट इज़ अ गुड थिंग वेल डिस्कसिंग सोसाइटी इट इज़ अ बैड थिंग सो अब एक हरियाणा का भी एक बहुत पुराना पास्ट था वी माइट यू नो ट्राई टू फाइंड सम सिविलाइजेशन है ऐसा ही होता है जब कोई बहुत पुरानी साइट मिल जाती है वी गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट एरिया सो हरियाणा की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा After the discovery of these cave paintings, next issue will be the National Asset Reconstruction Company Limited. To National Asset, it is related to the non-performing assets. Non-performing assets क्या होते हैं? Non-performing assets वो सारे advances loans हैं जो banks देते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आते, उनपे ब्याज या फिर पूरी amount ही वापस नहीं आती, तो bank के लिए वो एक ऐसा asset हो जाता है जो perform नहीं कर रहा। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंडियन बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनपीएस की वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन एनपीएस एज वेल हिस्टोरिकल अगर आप समझना चाहो कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम इंडियन बैंकिंग सेक्टर में आ गई इट इज रिलेटेड टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इट इज रिलेटेड टू द इंडियन कॉरपोरेट वर्ल्ड सो लॉट ऑफ फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस एनपीए क्राइसिस इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया और उसको रिजॉल्व करने के लिए बड़े सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं डिफरेंट स्टेप्स बट दे हैव नॉट डन वेरी गुड एक और चीज़ जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा एनपीए क्राइसिस नहीं है पब्लिक सेक्टर जो हमारे सरकारी बैंक हैं उनमें बहुत ज्यादा क्राइसिस है एनपीएस का और बैंकिंग सेक्टर किसी से भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है दैट इज द बैकबोन ऑफ एनी इकॉनॉमी अगर बैंक कलेप्स कर जाए तो सारे देश में क्राइसिस आ सकता है दैट इज वॉट हैपन इन अमेरिका वहां के कुछ बैंक लेमन ब्रदर्स वगैरह वो, वो कलेप्स करना स्टार्ट कर गए थे दो हजार में एंड USA में सब प्राइम क्राइसिस आ गया वो क्राइसिस सारी दुनिया में फैल गया एंड दैट वाज़ अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 8 इंडिया पे भी उसका कुछ इम्पैक्ट आया बट बहुत ज्यादा नहीं इम्पैक्ट उसका हमारे देश पे हो सका हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उस समय के इकोनॉमिस्ट थे सो ही टुक सम स्टेप्स और उससे जो इम्पैक्ट था वो थोड़ा सा कम हो गया हमारी इकोनॉमी के ऊपर नाउ दिस एन पी क्राइसिस इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर अगर हमारे बड़े बैंक मान लो एस बी आई एच डी एफ सी ऐसे बैंक जो हैं अगर वो कर जाएं, अगर इनके एनपीएज इतने ज्यादा बढ़ जाए कि इनका काम आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाए इट कैन बी अ वेरी सीरियस थिंग सो दैट इज वाई गवर्नमेंट आर बी आई दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ब्रिंग अप न्यू स्कीम्स बार बार नए नए इनिशिएटिव लेके आते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू हो गया फाइव ट्वेंटी फाइव स्कीम हो गई इंडियन बैंकिंग सेक्टर के एन पी ए क्राइसिस को मैनेज करने के लिए नाउ द लेटेस्ट वन इज द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्टेट ओन्ड जो बैंक्स हैं जो सरकारी बैंक्स हैं उन्होंने ऐसे 22 एसेट्स 22 एसेट्स डिस्कवर किए हैं आइडेंटिफाई किए हैं दे आर वर्थ 82,500 टू अब इनको कोशिश करेगी ये नई बनी कंपनी कि इनको मैनेज किया जाए और हो सके जितनी हो सके इनमें से वैल्यू वापस निकाली जा सके सो so यहाँ पे हम समझते हैं व्हाट इज दिस एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करती क्या है अब बैंक जो है उसका काम लोन रिकवरी का नहीं है या फिर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको मैनेज करने का सिर्फ बैंक का काम नहीं है बैंक के और भी बहुत सारे काम है तो ऐसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बन जाती हैं वो क्या करती हैं ये जो एनपीएस हैं इनको खरीद लेती हैं अब आप ये पूछोगे कि जो बैंक को लोन वापस नहीं आ रहा वो कोई क्यों खरीदेगा दीज पीपल आर एक्सपर्ट्स अब बैंक के पास कुछ ना कुछ गिरवी भी तो होगा विजय माल्या इफ ही हैज रन अवे फ्रॉम द कंट्री तो उसकी बिल्डिंग्स उसके जहाज बहुत कुछ यहाँ पर है अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी बैंक से ऐसे लोन्स खरीद लेगी जो तो नॉन परफॉर्मिंग है बैंक को कुछ पैसा आ जाएगा बैंक को कुछ भी नहीं आना था सो बैंक सेज दैट जो भी हमें एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी दे देगी दैट इज़ फाइन हमारे पास कुछ पैसा आ जाएगा हम दोबारा से अच्छे तरीके से लोन्स देंगे और हमारे प्रॉफिट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे मीन वाइल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी ये कम पैसे में खरीदेगी एन को और कोशिश करेगी कि जो इन एसेट्स को मैनेज करते हुए इनको बेचते हुए इनको दोबारा से रिवाइव करते हुए जो भी वैल्यू डिराइव करेगी ये ए आर सी वो जितने पैसे बैंक को दिए हैं उससे ज़्यादा हो और ये डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट होगा एसेट री कंपनीज का सो तो ये एक सरकारी कंपनी बनाई गई है नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी अब इसने एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोर के लोन्स बैंक से खरीदे हैं आने वाले टाइम में जो टोटल हमारा दो लाख करोड़ के करीब ऐसा एनपीए है डिफरेंट बैंक्स के अंदर ये सारा ही ये कंपनी मैनेज किया करेगी

तो इस पर इतना ट्रस्ट नहीं होता सरकार जब किसी चीज को बैक करती है चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो बैंक हो तो लोगों का एक ट्रस्ट होता है कि अगर मान लो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स ना कमा पाए या बर्बाद हो जाए ये बैंक या ये, ये कंपनी तो सरकार के पास तो बहुत पैसा है सरकार दोबारा से पैसा दे देगी नाउ गवर्नमेंट सोर्सेज ने क्या कहा दे सर मोस्ट एग्जिस्टिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वर थिल्ली कैपिटलाइज जिससे पहले जो काम कर रही थी हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज उनका कैपिटल बहुत कम था बहुत छोटी कंपनीज थी एंड दे कुड नॉट डील विद द extend the scope of NPA problem that we have right now, especially the loans where potential recovery is around the liquidation value, especially ऐसे loans जहाँ की जो recovery है वो almost उतनी ही है जितना हम उसको अगर asset को liquidate कर देते हैं तो उसकी value जितनी निकलेगी so इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होने वाला तो so, ये छोटी छोटी companies ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं handle कर पाएंगी स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसको हम बैड बैंक भी बोलते हैं बैड बैंक का मतलब है कि बैड लोन्स एनपीएस को खरीद लेता है और उसी को मैनेज करने का इसका काम है आठ पब्लिक सेक्टर बैंक इन्वॉल्व है दैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज हंड्रेड क्रोर्स डिवाइडेड इंटू टेन क्रोर्स शेयर ऑफ रुपीज टेन एच तो ये शेयर की वैल्यूएशन है सौ करोड़ इसका टोटल कैपिटल अभी है इसको बढ़ाया जाएगा इन फ्यूचर कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी इस कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं आने वाले टाइम में इस शेयर को खरीद के जो हमने शेयर्स की बात की इन शेयर्स को खरीद के एज पर दब्जेक्टिव क्या है इट विल कैरी द बिजनेस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगी एंड बेसाइड डीलिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स इट विल ऑल्सो मैनेज इन सेल और रियलाइज एनी प्रॉपर्टी और एसेट दैट मे कम इन टू इट्स

वेरी वेल लेड नॉर्म्स फॉर ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स बाई बॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू ए आर सीज तो आर बी आई बैंकस को भी रेगुलेट करती है बैड बैंक को भी रेगुलेट करती है और उसने बड़े क्लियर नॉर्म्स बना रखे हैं किस तरीके से कोई भी बैंक या फिर कोई भी एन बी एफ सी अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को ए आर सीज को ट्रांसफर करेगी सो so, ये भी बहुत क्लियर है सो दैट बाद में इसमें कुछ करप्शन ना हो जाए या फिर करप्शन के चार्जेस ना आ जाए एन एक ऐसा सेक्टर है जो पूरी तरीके से बैंक्स नहीं होते हैं लेकिन इन्होंने ही सारी जिम्मेदारी संभाली थी इंडिया के बिजनेसेस को लोन्स देने की जब बैंक्स बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे थे एन बहुत पड़ गए थे तो बैंक्स लोन्स नहीं दे पा रहे थे लेकिन काम करने के लिए क्रेडिट लेने की ज़रूरत थी तो एन ने जिम्मेदारी ले ली फिर एन भी बर्बाद होनी स्टार्ट हो गई इंडिया के कुछ बहुत बड़ी बड़ी एन लाइक आई एंड एफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ ये एक बहुत बड़ा एन था इसके इसके ऊपर भी ऐसे बैंक के हालात बन गए सो एन सेक्टर में भी एन का क्राइसिस बहुत बड़ा है अब सरकारी बैंक्स की इस कंपनी के अंदर इक्विटी है शेयर होल्डिंग है सरकार की डायरेक्टली डिरे, नहीं है लेकिन सरकार ने गारंटी ज़रूर ली है कि अगर कभी भी ए एन ए आर सी एल ये अच्छा काम नहीं कर पाएगी तो सरकार की गारंटी है फाइनल जो पैसा प्रोवाइड करेगी वह सरकार करेगी एन ए आर सी एल विल मैनेज दीज एसेट्स एंड सेल दू दल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स तो ये कुछ फंड हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसेट्स ढूंढ रहे होते हैं या फिर कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहेगा इन प्रॉपर्टीज में इन एसेट्स में उनको ये ये एसेट्स बेच देगी ये बैड कंपनी जो सरकार ने बनाई है सो दैट इज अटेस्ट स्टेप द बैड बैंक विच हैजिन क्रिएटेड बाई द

जुगल राइट को रिस्टोर किया जाए नाउ नाउलेट सी वॉट आर कॉन्जुगल राइट्स होते क्या हैं कॉन्जुगल राइट्स राइट्स आर क्रिएटेड बाय मैरिज दैट इज राइट ऑफ द हस्बैंड और द द वाइफ टू सोसाइटी ऑफ ईच अदर तो मतलब ये जेंडर न्यूट्रल राइट है हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक अधिकार पैदा हो जाता है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट आफ्टर गेटिंग मैरिड ऑन ईच अदर सोसाइटी एंड द लॉ रिक्नाइज दीज कॉन्जुगल राइट इन बोथ पर्सनल एज वेल एज इन द क्रिमिनल लॉस सो so, अगर पर्सनल लॉस की बात हो लाइक मैरिज डायवोर्स उसमें भी कॉन्जिकल राइट्स कंसिडर किए जाते हैं वेन इट कम्स टू डाइवोर्स पेमेंट ऑफ एलिमनी मेंटेनेंस उसमें भी कॉन्जिकल राइट्स कंसिडर किए जाते हैं ऐसी ही सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया लाइक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें भी कॉन्जिकल राइट्स का जिक्र है और देन डायवोर्स एक्ट 1869 जो क्रिश्चियन मैरिजेस को क्रिश्चियन फैमिली लॉ को गवर्न करता है उसमें भी कॉन्जिकल राइट right है एंड यूके के जहां से ऐसे राइट्स की शुरुआत हुई उन्होंने ऐसे कॉन्जिकल राइट्स को रिपील कर दिया था हिंदू मैरिज एक्ट अब इसके तहत केस फाइल कैसे होगा मान लीजिए इफ अ स्पाउस दे रिफ्यूज फॉर को हैबिटेशन वो इनकार कर देते हैं कि मैंने अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना तो दूसरा जो स्पाउस है दूसरा पार्टनर है दे कैन फाइल दे कैन मूव द फैमिली कोर्ट एंड दे कैन सीक डिक्री फॉर हैबिटेशन तो कोर्ट ये एनफोर्स करेगा कि आप इकट्ठे रहिए क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ने ऐसा डिसाइड कर दिया है there is, there is rights, और उसके बाद आप एक दूसरे की सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हो आप पे एक दूसरे का अधिकार है एंड अगर कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया जाता तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है तो आपको रहना पड़ेगा आपके पार्टनर के साथ अगर कोर्ट डिसाइड कर देता है तो हाउ एवर दिस डिसीजन कैन बी अपील्ड बिफोर अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड दिस लॉ इज चैलेंज नाउ बिकॉज द पिटिशनर्स दे आर सींग दैट इट इज वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी कि राइट टू प्रिवेसी को ये वायोलेट करता है अब दिस राइट टू प्रिवेसी ये हमेशा से फंडामेंटल राइट नहीं था अभी सुप्रीम कोर्ट ने पट्ट स्वामी जजमेंट में इसको एक क्लियरली स्टेटेड फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है दैट इज वाई बहुत सारे जो पर्सनल लॉज हैं उसके अगेंस्ट अब चैलेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज नाउ प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और इसी जजमेंट के बाद दो लॉ स्टूडेंट्स ने कोर्ट में ये एक दोबारा से अपील की एक चैलेंज किया एंड दे दैट अ कोर्ट कोर्ट मैंडेटेड एक द्वारा ऑर्डर की गई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट दे अमाउंटेड टू अ कोर्सिव एक्ट तो ये जबरदस्ती किया हुआ एक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट और स्टेट यानी सरकारें ये जबरदस्ती करवा रही हैं एंड दिस वायट वेक्शुअल एंड डिसीजनल ऑटोनमी तो एक किसी व्यक्ति की अपनी बॉडी के ऊपर अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर जो आजादी है उसको वायलेट करती है क्योंकि सरकार या फिर जुडिशरी ये कहेगी दैट यू गो एंड लिव विद योर पार्टनर इवन वेन यू डोंट वॉन्ट टू एंड दिस इज अगेंस्ट राइट टू प्रेवेसी एंड बेसिक ह्यूमन डिग्निटी दो हजार उन्नीस में एक नाइन जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के राइट टू प्रेवेसी को फंडामेंटल राइट right बताया था एंड लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है दैट एट इज बिकॉज ऑफ दिस लैंडमार्क जजमेंट की बहुत सारे जो डिफरेंट लीगल प्रोविजन है डिफरेंट लॉज हैं रिलेटेड टू होमोसेक्सुअलिटी रिलेटेड टू मैरिटल रेप रेप इन अ मैरिज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट टू फिंगर टेस्ट इन रेप इन्वेस्टिगेशन तो इन सब चीजों के खिलाफ अब चैलेंज होने स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है Now, वैसे तो ये जो लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट ये जो कॉन्जिकल राइट्स हैं ये दोनों हस्बैंड और वाइफ को मिलते हैं लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ही ये जेंडर न्यूट्रल है बिकॉज होता क्या है दैट व्हेन द वुमेन शी वांट टू लिव विद एन हस्बैंड जो एक ज्यादा प्रेविलेंट सनारियो है इंडियन सोसाइटी में तो उस उस केस में ऐसी वाइफ को जबरदस्ती कोर्ट ऑर्डर्ड वापस लाया जा सकता है एंड शी कैन बी फोर्स टू लिव विद हर हस्बैंड सो दस दिस वुमेन कैन बी कॉल्ड बैक टू देयर मैरिटल होम्स टू दे मैरिज होम्स अंडर दिस प्रोविजन एंड सिंस मैरिटल रेप ये इंडिया में एक क्राइम नहीं है अभी तक दुनिया की काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में रेप विद इन अ मैरिज इज रेकग्नाइज एज अ क्राइम इंडिया में ऐसा नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट का प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि मैरिज इज़ अ वेरी सैक्रेड इंस्टीट्यूशन वेरी सेक्रोसैंक इंस्टीट्यूशन और ऐसे कानून अगर बन जाएंगे तो इंडियन सोसाइटी में जो मैरिज की प्योरिटी है वो खराब हो जाएगी And because of this marital rape not being a crime and uh, these conjugal rights, so it can leave a person susceptible to such caused cohabitation. So that is what has been challenged before the Supreme Court or Supreme Court. Kya dega? Ispe hum nazar rakhenge. And you also keep an eye on the YouTube channel for such videos current affairs related. नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं दिस इज पैगिसस स्नूपिंग स्कैंडल आपको शायद ये पता होगा दिस वॉज ऑल ओवर इन द न्यूज दैट इंडिया के कुछ एक्टिविस्ट इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी उनके ऊपर जासूसी की जा रही थी यूजिंग दिस पैगसस पाईवेयर सॉफ्टवेयर और ये जो पैगिस सॉफ्टवेयर था ये बनाया गया था बाई एन इसराइली कंपनी नेम्ड एन ग्रुप अब ये कंपनी कहती है कि हम ये सॉफ्टवेयर बेचते ही सिर्फ सरकारों को है ऑफिशियल गवर्नमेंट्स जो उनसे अगर परचेज करें ये सिर्फ उनको ही पैगस बेचते हैं सो दैट मीन्स या तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी और गवर्नमेंट ने ये स्पाईवेयर एनएसओ से खरीदा है एनएसओ इज़ नॉट रेडी टू रिवील दिस एंड इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू इन्वेस्टिगेट लेकिन इसराइल की सरकार जहां पर ये कंपनी सिचुएटेड है जहां की ये कंपनी है दे लॉन्च अ प्रूव इन टू द एलिगेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट द ग्रुप अब इसराइल को ऐसा क्यों करना पड़ा दैट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया कुछ यूरोपियन प्रेसिडेंट्स लाइक फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर भी जासूसी की जा रही थी ऐसी कुछ रिपोर्ट्स थी तो सारी दुनिया से बहुत आउटरीच आया और इसराइल को ये प्रोब लॉन्च करना पड़ा ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ी लेकिन इंडियन गवर्नमेंट फॉर सम रीजंस विच आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इंटेग्रिटी ऑफ दिस कंट्री एज़ पर द गवर्नमेंट उन्होंने ये प्रोब लॉन्च नहीं किया है सो नाओ द क्वेश्चन हेयर वॉज दैट हु वॉज स्नूपिंग ऑन इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन्स की जासूसी कौन कर रहा था और ये जो सॉफ्टवेयर है इट कैन इवन यूज योर डिवाइस कैमरा तो आपका जो फोन है जो शायद अगर साइड पर पड़ा है यू थिंक यू आर नॉट यूजिंग इट बट यू आर बींग वॉच्ड यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर आपकी चैट्स कंटैक्ट्स आपकी लोकेशन एवरी थिंग कैन भी सीन यूजिंग दिस स्पाइवेयर नाउ क्या सरकार को ऐसी सर्वेलेंस करनी चाहिए आंसर इज दैट टू सम को करनी पड़ती है आप अगर वेरी सिंपली अगर एग्जाम्पल लें अगर आप टेररिस्ट अटैक भी रोकना चाहते हो तो आपको कई बार ये चेक रखना पड़ता है ऑन द सस्पिशियस सिटीजन बट यू कैन नॉट यूज दिस अगेंस्ट द अपोजिशन पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट दैट इज कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक तो इंडिया में कौन से ऐसे लॉज हैं जिनसे सर्वेलेंस लीगली की जाती है दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो सो so, इंडिया में कॉम्युनिकेशन सर्वेलेंस की जाती है अंडर दीज टू एक्ट द फर्स्ट वन इज टेलीग्राफ एक्ट एटीन एटी फाइव दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड तो ये दोनों एक्ट हैं जो एक लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं अगर सरकारें या पुलिस फोर्सेस हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज सर्वेलेंस करना चाहती हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन दिस टेलीग्राफ एक्ट इट डील्स विद द इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स जो टेलीफोनिक कॉल जो होती हैं उसको इंटरसेप्ट करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है एंड द आईटी एक्ट इट इज यूज्ड फॉर द सर्वेलेंस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो ऐसे लॉज को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स अगर उन्हें जो प्रोसीजर जुडिशरी ने प्रिस्क्राइब किया है उसे वो फॉलो करके कर रही हैं तो ये डाटा इकट्ठा कर सकती हैं अब इस डाटा को जो इकट्ठा किया जाएगा इसकी प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में अभी कोई भी कानून नहीं है सो अ कॉम्प्रीहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ टू एड्रेस द गैप्स इन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर सर्वेलेंस इज येट टू बी इनैक्टेड टेलीग्राफ एक्ट एटीन इसके बारे में हम बात करते हैं सेक्शन फाइव सबसेक्शन टू इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्ट क्या कहता है इट इज़ अ वेरी लॉन्ग सेक्शन दिस सेक्शन बेसिकली इन वेरी सिंपल वर्ड्स इट्स इट टेल्स की कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके से और किन सिचुएशन के अंदर जब इंडिया के सॉबरेंटी इंटेग्रिटी को थ्रेट हो ऐसे कुछ सिनारी में किन लोगों का डाटा इकट्ठा कर सकता है ऐसा एक सेक्शन है विच इज इन दिस टेलीग्राफ एक्ट एंड अंडर दिस लॉ गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट कॉल्स ओनली इन सर्टन स्पेसिफाइड सिचुएशन तो ऐसी स्पेसिफाई कर करी गई हैं सिचुएशन

ज अ थ्रेड आपका फोन आपकी फोन कॉल टैप की जा सकती है तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं एक्सरसाइज कर पाओगे नाउ देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीच कोई भी फंडामेंटल राइट एपसोल्यूट नहीं है देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल नाइनटीन टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये रिस्ट्रिक्शन फ्री स्पीच पे तभी लगेंगी जब कोई भी ऐसा एक प्रेसिडेंट है दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन है जिसमें देर इज एनी पब्लिक एमरजेंसी और देर इज एनी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी इन्वॉल्व एंड देन देर इज वन एक्सेप्शन इज जर्नलिस्ट आप पत्रकारों के खिलाफ किसी भी सिचुएशन में इंटरसेप्शन नहीं कर सकते दिस इज इनदर सेक्शन इन द टेलीग्राफ एक्ट इट सेल्फ दैट इवन द लॉफुल इंटरसेप्शन कैनॉट टेक प्लेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट नाइनटीन नाइनटी सिक्स में PUCL यू सी एल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया दैट देर आर नो प्रोसीजरल सेफ कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि उसी प्रोसीजर को सिर्फ फॉलो करके इंटरसेप्शन की जाए एंड बिकॉज देर इज नो प्रोसीजर देर इज नो सेफ गार्ड कोई लिमिट्स ही नहीं है सरकार किसी भी हद तक जाके इंटरसेप्शन कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की नाइनटीन नाइनटी सिक्स में कि टेलीग्राफ एक्ट एटीन एटी फाइव के तहत कैसे सर्वेलेंस की जा सकती है बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट दीज गाइडलाइंस आर नॉट फॉलोड अभी सी बी आई ने एक लिटिगेशन पी आई एल फाइल की थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड सुप्रीम कोर्ट में सी बी आई ने कहा दैट पॉलिटिशियंस के फ़ोन्स जो टैप किए जाते हैं उसमें कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती एंड कोर्ट ने भी इसे नोट किया दैट अथॉरिटीज़ एंगेजिंग इन इंटरसैप्शन देवर नॉट इवन मेंटेनिंग एडिकुएट रिकॉर्ड्स तो वो रिकॉर्ड तक नहीं रखते थे किसका फ़ोन टैप किया गया है एंड कोई लॉग्स नहीं मेंटेन किए जाते थे अब एक तो ये अंग्रेजों के ज़माने का कानून है और उस समय पर इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी एंड नाउ विद ग्रोथ ऑफ हाईली सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द राइट टू टेलीफोन कन्वर्सेशन इन द प्रिवेसी ऑफ वन होम और ऑफिस विदाउट इंटरफेयरेंस इज इंक्रीजिंगली ससेप्टेबल टू अब्यूज अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बड़ी आसानी से किसी के भी फोन कॉल्स वॉइस कॉल्स एंड इवन इंटरनेट पे की गई कॉल्स भी टैप की जा सकती हैं जैसा कि हमने के, के केस में देखा तो ऐसे में तो प्रिवेसी और भी खतरे में आ जाती है और स्टेट की जिम्मेदारी क्या है कि अपने सिटीजन की प्रिवेसी को बचा के रखें उसे प्रोटेक्ट करके रखें अब सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस फॉम द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रूल फोर ए इन द टेलीग्राफ रूल्स टू अब सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा था उसके बाद एक रूल 419 ए ऐड किया गया टेलीग्राफ एक्ट में और बाद में यही रूल ऐड किया गया आईटी एक्ट में 2009 के अंदर नाउ अंडर द आईटी एक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डाटा कैन बी इंटरसेप्टेड बट बाय फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो फॉर अ पैगस लाइक स्पाईवेयर अगर गवर्नमेंट को अगर हमारी सरकार को ये स्पाईवेयर यूज करना था लीगली कानूनी ढंग से तो गवर्नमेंट को ये दोनों एक्ट्स का सहारा लेना पड़ना था लेकिन क्या गवर्नमेंट ने लिया या नहीं लिया वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने इवन मीडिया हाउसेस ने जिन लोगों पर जासूसी हो रही थी उन्होंने भी बहुत जानना चाहा है लेकिन अभी तक कोई भी क्लियर आंसर्स नहीं है दैट कौन सी सरकार ये सर्वेलेंस कर रही थी यू कैन स्पेकुलेट अबाउट दैट एंड यू कैन ऑल्सो ब्रेन स्टॉम ओवर दिस आप भी कमेंट में अपना व्यू दे सकते हो कि कौन सी सरकार क्या ये कोई एनिमी स्टेट होगी या फिर हमारी खुद की सरकार है अगर हमारी खुद की सरकार नहीं है तो वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट लॉन्चिंग एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट दिस स्कैंडल सो दीज आर सम ऑफ द द्वेश्चन विच रिमेन अन आंसर्ड लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इशूज हैं जो आपने कवर करने हैं दैट इज दीज एक्ट इट इज़ द प्रिवेसी विच इज़ अ फंडामेंटल राइट और कैसे बैलेंस बनाया जाए स्टेट की सिक्योरिटी और नागरिकों की प्रिवेसी के बीच में एक बैलेंस कैसे बनाया जा सके ताकि दोनों मेंटेन रहें So, ये हमारा था जो स्नूपिंग या सर्वेलेंस कैंडल के आसपास के इश्यूज थे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कास्ट सेंसस डिबेट कास्ट सेंसस दैट मीन्स कास्ट रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना और उसे शेयर करना पब्लिक के साथ भी सभी पॉलिटिशियंस के साथ भी लेकिन ऐसा नहीं होता है इंडिपेंडेंस से पहले हम कास्ट सेंसस किया करते थे अब हम नहीं करते हैं एंड डिफरेंट पीपल आर डिमांडिंग दिस बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं अभी प्रेजेंटली लाइक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही मंत्री हैं इन्होंने एक रिस्पॉन्स में क्या कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट टू इन्यूमिरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन अदर देन एस सीज एंड एस टीज इन देंसस तो इन्होंने कहा कि सेंसस में एस सीज एस टीज के अलावा हम बाकी कास्ट का डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री ने कहा उसके बाद जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार एंड उससे पहले जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जितिन राम मांझी इन दोनों ने डिमांड किया कि कास्ट बेस सेंसस होना चाहिए सभी कास्ट का डाटा इकट्ठा करना चाहिए इससे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामदास अठावले इन्होंने भी ऐसी ही डिमांड की थी लेकिन जैसा कि हमारे जो प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय हैं उन्होंने कहा कि एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हम डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से जो हर 10 साल बाद सेंसस हुआ है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का डाटा इकट्ठा किया गया है लेकिन बाकी कास्ट का डाटा इकट्ठा नहीं किया गया बिफोर दैट जो डाटा 1931 में सेंसस हुआ था उसमें ही हमारे पास आया था कास्ट बेस्ड डाटा हाउ इन नाइनटीन कास्ट बेस्ड डाटा वॉज कलेक्टेड बट इट वॉज नॉट पब्लिश तो नाइनटीन में कास्ट बेस्ड डाटा कलेक्ट तो किया गया लेकिन पब्लिश नहीं किया गया और वहां के जो उस समय के सेंसस कमिश्नर थे मिस्टर उनका क्या कहना था ही देयर वुड हैव बीन नो ऑल इंडिया कास्ट टेबल द टाइम इज पास्ट फॉर दिस इनॉमस एंड कॉस्टली टेबल एज पार्ट ऑफ द सेंट्रल अंडरटेकिंग तो इन्होंने कहा कि इतना कॉस्टली और इतनी इनॉमस एक्सरसाइज अंडरटेक करने की कोई जरूरत नहीं है उस समय पर वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी तो ये काम करना और भी मुश्किल था हो सकता है यह भी कारण हो लेकिन हमारे पास इंडिपेंडेंस के बाद का भी कोई भी कास्ट बेस्ड डाटा नहीं है स्पेशली जब हम बात करते हैं ओबीसी की अदर बैकवर्ड कास्ट की अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज की इन द एबसेंस ऑफ सच ए कास्ट डाटा देर इज नो प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ओ एंड वेरियस ग्रुप्स विद इन द ओबीसी ओबीसी उनके अंदर भी डिफरेंट डिविजन हैं इसका डाटा ही हमारे पास नहीं है सो हाउ आर वी गोइंग टू मेक गुड पॉलिसी दैट इज अ क्वेश्चन है मंडल कमीशन बनाई गई थी मंडल कमीशन ने एस्टिमेट किया कि ओबीसी की पॉपुलेशन 52 परसेंट है अब ये और बाकी जितने भी ओबीसी पॉपुलेशन को लेके एस्टिमेट्स लगाए गए हैं दे हैव बीन ऑन द द बेसिस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे डाटा लेकिन ये एस्टिमेट्स हैं ये सेंसस डाटा नहीं है हर घर जाके हर व्यक्ति से बात करके डाटा नहीं इकट्ठा किया गया है इसी तरीके से पोलिटिकल पार्टीज भी अपने एस्टिमेट्स लगाती हैं इन द स्टेट्स एंड लोकसभा असेंबली सीट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है पॉलिटिशियंस के लिए अब ये डिमांड बहुत पुरानी है क्योंकि एक पॉलिटिकल डिमांड है बहुत पुरानी है हर सेंसस से पहले होती है इट कम्स अप बिफोर ऑलमोस्ट एवरी सेंसस एज रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफ द द डिबेट्स पार्लियामेंट शो द डिमांड यूजअली कम्स फ्रॉम दोज बिलोंगिंग टू द ओबीसी जो ओबीसी सेक्शन हैं वहीं से ये डिमांड आती है कि आप हमारा डाटा भी इकट्ठा करो और पब्लिक करो उसको एंड बाकी डिप्राइव सेक्शंस भी ऐसी डिमांड करते हैं अपर कास्ट अपोज करती है कि ये डाटा नहीं कलेक्ट किया जाना चाहिए 2021 के अप्रैल मंथ में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस उसने भी गवर्नमेंट को यह रिक्वेस्ट की थी कि एज पार्ट ऑफ ऑफ सेंसस एक्सरसाइज 2021 ओबीसी डाटा इकट्ठा किया जाए होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ही स्पोक ऑफ डिफरेंट इस इशू इस इस से रिलेटेड उन्होंने कुछ चीजों का आंसर किया था जब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे यूपीए सरकार की बात है जब कांग्रेस रूल करती थी उन्होंने क्या कुछ इंपॉर्टेंट इशूज हाईलाइट किए ही सेट देर इज अट्रल लिस्ट ऑफ ओ एंड अ स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ ओ तो ओबीसी की जो लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी है स्टेट सरकारों की अपनी है तो ये देर इज अ डिफरेंस सो ऐसे में डाटा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है और भी कुछ इश्यूज हैं लाइक सम स्टेट्स दे डू नॉट हैव अ लिस्ट ऑफ ओबीसीज सम स्टेट्स हैव अ लिस्ट ऑफ ओबीसीज़ एंड सब सेट ऑफ ओ बी सीज नोन एज द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज अति पिछड़ी जातियां जिसको हम हिंदी में बुलाते हैं तो पिछड़े वर्ग हैं अति पिछड़े वर्ग भी हैं क्योंकि ओ बी सीज में कुछ ऐसे सेक्शन है जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ओ बी सी कम्युनिटीज एंड नेम्स ऑफ सच कास्ट आर फाउंड इन बोथ द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड लिस्ट ऑफ ओ बी सीज अब ऐसी भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की ओबीसी में भी दिखती हैं और शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में भी हैं अब ऐसे में उस कम्युनिटी को सेंसस का डाटा इकट्ठा करते वक्त आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे डुप्लीकेशन तो नहीं कर सकते शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दे आर ऑल्सो ट्रीटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स तो जो एस कैटेगरी के लोग थे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे जो लोग वो अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लें और क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में चले जाएं तो कुछ स्टेट्स उनको स्टिल एस मानती हैं कुछ स्टेट्स नहीं मानती हैं सो so ऐसे में आप डाटा यूनिफॉर्मिटी कैसे लेके आओगे सारे देश में जब आपको एक्सरसाइज करनी है माइग्रेंट फ्रॉम स्टेट टू अनास्ट मैरिज दैट इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इंटर कास्ट मैरिज में जो बच्चे पैदा होंगे उनको आप कौन सी कास्ट में मानेंगे ओबीसी में मानेंगे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज में मानेंगे सो दीज आर ये उस समय के जो होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में ये बताया कि क्यों डाटा इकट्ठा करना एक आसान चीज नहीं है इट इज इजियर सेट देन डन अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर दैट एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया जिसमें ये देखने की कोशिश की गई कि इसके बारे में क्या करें अब हम फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के लेट मिस्टर प्रणब मुखर्जी ही वॉज हेड ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तो उन्होंने काफी डिस्कशन की एंड यूपीए गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट सेंसस करवाया विच वॉज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस तो इस डिमांड को पार्टली मान लिया गया और एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस करवाया गया डिफरेंट कास्ट का डाटा इकट्ठा करने के लिए ना उसी काम तो करना बड़ा मुश्किल है लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट कास्ट का डिफरेंट कम्युनिटीज का डाटा नहीं है हाउ आर वी गोइंग टू नो कि कौन बहुत पीछे छूट गया है और कौन रिजर्वेशन या बाकी एफर्ट्स के चलते बाकी मेन स्ट्रीम के पास आ गया है किसको ज्यादा बेनिफिट दें किसको कम बेनिफिट दें ये कैसे हमें पता लगेगा बिना डाटा के हम अंधेरे में तीर मारने के लायक काम कर रहे हैं और उसका उसका नतीजा क्या हो रहा है उसका नतीजा ये हो रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है अल्टीमेटली वी वांट कि सारी जो ये डिफरेंसेस हैं सारे इनइक्वेलिटीज हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में ये खत्म हो जाएं और बिना डाटा के करना ये मुश्किल है और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज द नियरेस्ट थिंग दैट वी हैव जो हम कर पाए हैं अब तक अब ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इट वॉज अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी इन दोनों ने करवाया था इसे इसमें कास्ट डाटा फाइनलाइज किया गया था एंड पब्लिश कंप्लीटली नहीं किया गया है अभी तक जो भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में डाटा इकट्ठा किया गया था उसमें से भी कास्ट डाटा निकाल के बाकी सारा कुछ पब्लिक कर दिया गया है सो दैट इज वट इज हैपनिंग रिलेटेड टू दिस डिबेट जो आप, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है सोशल जस्टिस डिफरेंट जो सामाजिक ग्रुप्स हैं उनको कैसे न्याय दिलाया जाएगा उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना कि क्या हमारी पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए सो ये कास्ट सेंसस की डिबेट आने वाले टाइम में वेद गवर्नमेंट इज गोइंग टू कलेक्ट देंसस सेंसस की एक्सरसाइज भी डिले हो गई है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोविड तो इस साल वो नहीं हो पाई है वेरी सुन गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट दैट एंड लेट्स ही क्या फैसला लेगी सरकार नेक्स्ट एनवायरमेंट के लिए बेहद ज़रूरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ये एक पंछी है इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस इंडिया में पाया जाता है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में और कुछ पाकिस्तान में भी ये मिलता है पाकिस्तानीज समटाइम्स दे आर फाउंड यू नो हंटिंग दीज बर्ड्स और अपनी फोटोज डिस्प्ले करते हैं देर देर वॉज अ लॉट ऑफ आउटरीच अ फ्यू मंथ्स बैक अबाउट दिस इंडिया जो है इस पंछी को बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है अब गवर्नमेंट ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया और गवर्नमेंट ने बताया राज्यसभा को पार्लियामेंट को और सारे देश को दैट देयर वर नो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स इन कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी इन गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट नाउ दिस इज द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात यहाँ पे विद इट्स हेड क्वार्टर इन भुज ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात की यहां की हम बात कर रहे हैं एंड दिस इज अ रीजन जहां पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाए जाते हैं इन दिस रीजन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान में भी पाए जाते हैं एंड बिकॉज दिस

और इन सभी स्पीशीज को इन सभी जानवरों के लिए काफी अच्छे एफर्ट्स लिए गए और इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई अब ये एक ऐसी बर्ड स्पीशीज है जिनके लिए हम एफर्ट्स ले रहे हैं दैट इज वाई हमारी पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया जा रहा है कि वहां पे कौन से एरिया में कितने बर्ड्स रह गए कितने मर गए और कौन से थ्रेट्स हैं जो ये फेस कर रहे हैं नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज दैट द साइज ऑफ दिस बर्ड इज वेरी लार्ज ये बहुत बड़े साइज का पंछी है एंड वेन दिस बर्ड इट ट्राइज टू फ्लाई तो वहां की जो बिजली की तारें हैं उनके साथ टकरा के इनकी डेथ हो जाती है सो so, ऐसे में बहुत सारे बर्ड्स मर जाएंगे एंड हमने देखा कि सिर्फ दो सौ रह गए हैं अब ये रिप्लाई क्यों आया था क्योंकि कांग्रेस के एक एमपी हैं जो गुजरात से हैं शक्ति सिंह गोहिल इन्होंने एक सवाल पूछा था और सवाल क्यों पूछा था क्योंकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार को ये ऑर्डर किया था कि सभी पावर कंपनी से कहो कि जितनी भी बिजली की तारें हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए राजस्थान में और कच्छ में गुजरात में जहाँ जहाँ पर ये बर्ड पाया जाता है सो so, सारी जो पावर लाइन्स हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए सो दैट इनकी जो बची हुई पॉपुलेशन है वो बच जाए नाउ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स दे आर द लार्जेस्ट अमंग द फोर बस्टर्ड स्पीशीज अकरिंग इन इंडिया द अदर थ्री स्पीशेज़ आर मै क्वीन्स बस्टर्ड लेसर फ्लोरिकान एंड बेंगोली फ्लोरिकान नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये डिफिकल्ट तो लगेगा याद रखना लेकिन यूपीएससी प्रलम्स में ऐसे सवाल पूछता है स्टेट सिविल सर्विसज में भी ऐसे जो बहुत क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशेज हैं उनके आस पास के बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे वो कहाँ पे रहते हैं कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज हमें मिलती हैं इंडिया के अंदर सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू और जो हिस्टोरिकल रेंज है वो ऑलमोस्ट सारा सब कॉन्टिनेंट था सारा जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है अर्लियर ये पंछी वहाँ पे पाया जाता था लेकिन अब इनकी जो एरिया ऑफ एग्जिस्टेंस है दैट हैज़ रिड्यूस्ड टू जस्ट टेन परसेंट ऑफ देयर अर्लियर ट्रेडिशनल हैबिटेट सिर्फ दस परसेंट इलाके में अब ये रह गए हैं एज कंपेयर टू जहाँ पे ये रहा करते थे एंड इट इज़ अमंग द दवीएस्ट बर्ड्स ऑफ फ्लाइट हैवीएस्ट बर्ड्स जो उड़ते हैं एंड दीज जी आई वीज दीज बस्टर्ड्स दे प्रेफर ग्रास लैंडस ये ग्रास लैंड में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं एंड ज़्यादातर ये ग्राउंड पर रहते हैं बहुत ओकेजनली बहुत रेयर ये उड़ते हैं दे फीड ऑन इंसेक्ट्स लिजर्ड्स ग्रास सीड्स ये इनका खाना है एंड दे आर कंसिडर्ड बैरोमीटर्स ऑफ द हेल्थ ऑफ ग्रास लैंड एकोसिस्टम दैट इज़ वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी स्पीशीज़ रहती हैं जो अगर प्रेजेंट हैं दैट मीन्स वहाँ का जो इको है वहां का जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है दैट इज गुड अगर वो वहां पर नहीं है वहां की वो सारी मर गई हैं दैट मीन्स वहाँ का जो इको का हेल्थ है दैट इज बैड सो दीज आर बैरोमीटर्स तो ये बैरोमीटर्स का काम करते हैं इन फेब लास्ट ईयर सेंटर टोल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यू एनस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ये इंटरनेशनल कन्वेंशन इज इन अदर एरिया विच इज कॉन्स्टेंटली एंड रिपीटेडली आस्ट इन योर यूपीएससी प्रलम्स तो ये क्या कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज यूनाइटेड नेशनस की है कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कॉन्स्टेंटली माइग्रेट करती रहती हैं कई बार ये रशिया से उड़ती हैं इंडिया के नागालैंड में कुछ टाइम स्पेंड करती हैं दे गो टू समर कंट्रीज इन अफ्रीका ऐसी भी कुछ स्पीशीज हैं अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं तय करता लेकिन है ये भी एक माइग्रेटरी स्पीशीज ही तो ऐसी स्पीशीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ में उड़ रही हैं जा रही हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई एक कंट्री कुछ नहीं कर सकती बिकॉज इफ़ इंडिया प्रोटेक्ट्स एंड देन दे फ्लाई एंड गो टू पाकिस्तान एंड देर इज़ यू नो पीपल आर हंटिंग दिस बर्ड तो इंडिया के भी सारे एफर्ट्स ख़राब हो जाएंगे तो इसलिए इंटरनेशनल कन्वेंशनस की जाती हैं तो यू की जो सी है उसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी गांधीनगर गुजरात में उस समय पर इन बर्ड्स की जो पॉपुलेशन इट फेल टू वन फिफ्टी इसमें से 128 राजस्थान में थे 10 कच्छ डिस्ट्रिक्ट में थे और कुछ महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में थे पाकिस्तान इज ऑल्सो बिलीव टू बी होस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स तो यू कैन सी लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर आपसे पूछा जाए कौन सी स्टेट में मिलती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की दैट इज राजस्थान आई का जो स्टेटस है वो हमने डिस्कस कर लिया इट इज क्रिटिकली एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बार बार ये हाईलाइट करता है कि ये जो ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हैं दे आर वेरी डेंजरस फॉर दिस बर्ड जो छोटे पक्षी रहते हैं वो अपने आप को बहुत तेजी से एडजस्ट कर लेते हैं उनके सामने अगर जो बिजली की तार आएगी तो वो एकदम ऊपर या नीचे हो जाएंगे लेकिन ये इतना हैवी पंछी है ये एकदम से अपनी मूवमेंट अपनी फ्लाइट मूवमेंट एडजस्ट नहीं कर पाता दैट इज़ वाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर बर्ड एंड नॉट फॉर अदर बर्ड्स इफ़ यू आर वंडरिंग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिसर्च के मुताबिक राजस्थान में हर साल करीब 18 ग्रेट इंडियन बर्स्टर्स मर जाते हैं बिकॉज ऑफ कोलाइडिंग विद द पावर लाइन और भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं दिस इज जस्ट वन ऑफ दिस एंड द रीजन वी हैव सीन एक तो इनकी नजर बहुत कमजोर है दे हैव पुअर फ्रंटल विजन एंड सेकेंड दे वेट विच मेक्स क्विक इन फ्लाइट मिनूवर्स डिफिकल्ट उड़ते हुए जो अपने आप को तेजी से अपना रास्ता चेंज कर लेना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कच्छ एंड थार डेजर्ट देविटनेस द क्रिएशन ऑफ ह्यूज रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ सी जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं सो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल एंड दीज आर वेरी डिफिकल्ट चॉइसेस. ये आसान चॉइस नहीं है गुजरात के कच्छ में बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती है थार डेजर्ट में भी नहीं होती है सो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इकोनॉमिकली रिडेंडेंट लैंड्स हैं लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जब आ गया तो हमने ये बहुत सारा लगा दिया यहाँ पे बिकॉज दे आर पावर हाउसेज ऑफ सोलर एनर्जी विंड एनर्जी यहाँ से हम बहुत बिजली पैदा कर सकते हैं लेकिन फिर हमें पावर लाइन्स भी लगानी पड़ेंगी और जो एरियाज जहाँ पे ये बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है दीज आर द कोर जी आई बी एरियाज इन बर्ड्स का जो कोर एरिया है दैट हैज अ लॉट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सारी तारें जल्दी से अंडरग्राउंड कर दो इससे पहले कि ये बचे हुए पंछी भी मर जाएं लेकिन सरकार अपने पैसे से काम कर रही है और वो अभी तक नहीं हुआ है एंड कच बस्टर्ड सेंचुरी दे हैव रिकॉर्डेड टू जीआईबी डेथ्स आफ्टर हिटिंग द पावर लाइंस और भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं इन पंछियों के लिए लाइक चेंजेस इन लैंडस्केप्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिस आर ऑल्सो साइटेड एज रीजन फॉर रिड्यूस्ड नंबर ऑफ दीज बर्ड्स दिस सेंचुरी इट वॉज नोटिफाइड इन 1992, एंड इट इज स्प्रेड ओवर टू स्केयर किलोमीटर्स तो ये जो हमारे इन्वायरमेंटल जोन्स हैं ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इनको हम बचा सकें एंड दिस इज़ हैविंग इको सेंसिटिव जोन ऑफ टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी स्केयर किलोमीटर्स विच इज़ द कोर जी आई वी हैबिटेट कोर एरिया वो होता है जहाँ पर बिल्कुल भी किसी को जाने की आज़ादी नहीं होती बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है बिकॉज वो उन जानवरों के लिए या फिर उन स्पीशीज़ के लिए उन बर्ड्स के लिए बचा के रखा जाता है दैट इज देयर एरिया ये उनका घर है ये उनका इलाका है वहाँ पे बहुत जरूरत पड़ने पर विद रिक्वायर्ड परमिशन ही लोग जा सकते हैं व्हीकल्स जा सकते हैं इफ़ इट इज अलाउड और कच्छ में इस रिजर्व को बनाने के बाद इनकी पॉपुलेशन 30 से 45 हो गई थी 2007 में लेकिन फिर विंड मिल्स और पावर लाइंस लगनी स्टार्ट हो गई एंड अब एज वी हैव सीन कि गवर्नमेंट ने राज्यसभा में कहा कि बिल्कुल पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है 2016 में इट वाज ट्वेंटी लेकिन अभी जो वहां का फील्ड स्टाफ है उसका कहना है देर आर ओनली सेवन एंड ऑल ऑफ देम आर फीमेल्स तो कोई भी मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं रह गया है कच्छ में अब राज्यसभा में सरकार ने कहा है देर इज नो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन द कच्छ बर्ड सेंचुरी सो इट इज टू बी सीन कि अब कौन से दूसरे एरिया से मेल बस्टर्ड्स लाए जाएंगे कब पावर लाइन नीचे ग्राउंड अंडरग्राउंड की जाएंगी थिंग्स एंड होपफुली गुजरात गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स एंड इस बर्ड की पॉपुलेशन को हम बढ़ाने में कामयाब होंगे अगले इशू की ओर बढ़ेंगे एंड दिस इज द तेलंगाना टेम्पल तेलंगाना कौन सा टेम्पल इट इज द रमप्पा टेम्पल इन पलमपेट तेलंगाना इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है ये एक इंटरनेशनल टैग है इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द टूरिस्ट इनफ्लो इन टू दंट्रीज एंड दीज साइट बी विजिटेड बाई मोर पीपल from domestic areas as well as from out of the country. A World Heritage Site is a location with an outstanding universal value. तो ये दुनिया का heritage है ये किसी एक देश का heritage नहीं है ये सारी दुनिया का heritage है और सारी दुनिया की जिम्मेदारी हो गई है कि ऐसे heritage को जिनको ये tag मिल गया ये World Heritage Site का tag मिल गया उसको हम बचाएं So this is the Ramappa Temple जिसको World Heritage Site का tag मिला है और इसे देख के आपको ज़रूर ये अंदाज़ा हो रहा है कि क्यों मिला है इट्स ब्यूटी स्पीक्स फॉर इट सेल्फ एंड दिस इज सम अदर स्ट्रक्चर्स स्कल्पचर इन दिस राइट सो दिस टेम्पलूटिफुल स्कल्पचर आर्किटेक्चर दिस हैज गॉट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग जब किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है इट सिग्निफाइज कल्चरल एंड और नैचुरल सिग्निफिकेंस या तो कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए या नेचुरल नेचर से रिलेटेड विच इज सो एक्सेप्शनल एज टू ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज एंड टू बी ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी टू बी इंक्लूडेड साइट्स मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द टेन सिलेक्शन क्राइटेरियाज सच एज रिप्रेजेंटिंग अ मास्टर पीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस और एग्जिबिटिंग एंड इम्पॉर्टेंट इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम विद इन ए कल्चरल एरिया ऑफ द वर्ल्ड तो ऐसे करते हुए कुछ दस सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं आपको इन पे खरा उतरना है तभी आपको ये टैग मिलेगा एंड आफ्टर दैट यू बिकम समथिंग ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के फोर्टी फोर्थ सेशन में ये डिसीजन लिया गया कि रुद्रेश्वर टेम्पल और रमप्पा टेम्पल विच इज सिचुएटेड नियर वारंगल अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी वारंगल काकाटियाज यहाँ पे रूल किया करते थे काकाटियाज को हम ककाटियाज ऑफ वारंगल भी बुलाया करते थे एंड देर इज एन इंस्क्रिप्शन इन दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच डेट्स बैक टू ट्वेल्व हंड्रेड एंड थर्टीन तेरहवीं सेंचुरी का ये टेम्पल है एंड ये इंस्क्रिप्शन हमें इसकी टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में बताती है क्या बताती है दैट इट वॉज बिल्ट बाय अ बायटिया जनरल रेचरेला रुद्र रेड्डी पीरियड ऑफ ककाटिया रूलर टैग मिला है आर्ट एंड आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए एंड दीज points बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू Ramappa इज द मेन शिवा टेम्पल इन अ लार्जर वर्ल्ड temple कॉम्प्लेक्स टेम्पल कॉम्प्लेक्सिस क्या होते हैं कि एक शहर जैसा

गर्भगृह जो मंदिर का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है वहाँ पे गर्भगृह होता है जहाँ पे जो मेन भगवान है उस मंदिर के लाइक इन द शिवा टेम्पल तो लॉर्ड शिवा की जो मूर्ति होगी वो बीच में रखी गई होगी आसपास बहुत और भी भगवान की मूर्ति हो सकती हैं बिकॉज देर इज़ अ स्टाइल ऑफ़ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया विच वॉज़ फॉलोड इन एंशियट एंड मिडीवल टाइम्स विच वॉज़ पंचायतन जिसमें एक बीच में भगवान रहते थे चार भगवान की मूर्तियां आसपास हुआ करती थी तो इनर सेंटम इज मेड ऑफ लाइट वेट पोरस ब्रिक्स द स्कल्पचर्स वी हैव सीन द स्कल्पचर्स जो मूर्तियां हमने देखी हैं स्पेशली द ब्रैकेट फिगर्स दे हैव देयर लस्टर इंटैक्ट मतलब स्कल्पचर्स जो वहां की मूर्तियां हैं वो अभी भी चमक रही हैं उनको इस तरीके से पॉलिश किया गया था दैट दे स्टिल हैव द लस्टर इंटैक्ट सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर एंड हेयर फाइनली यू कैन सी दिस इज the टेम्पल सो so, यहां से आप एंट्री करते हो तो यहां पे आपको जाके गर्भगृह मिल जाएगा जिसके ऊपर दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी राइट सो दिस इज द Ramappa टेम्पल ऑफ कर्नाटका ऑफ Varangal. काकाटियाज ने बनाया था ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सैंड स्टोन तो आपको दिख ही रहा होगा एंड द स्कल्पचर्स यहाँ पे जो मूर्तियां हैं इन वन ऑफ आर प्रिवियस फोटोज वी सो इट वेरी क्लोजली एज वेल दे आर शाइनिंग दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू तेलंगाना राम अपा टेम्पल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट करंट अफेयर अगेन रिलेटेड टू कल्चर चुरासी कोस परिक्रमा अयोध्या में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू डिक्लेयर द चुरासी कोस परिक्रमा मार्ग एक रास्ता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है चौरासी क्रोस परिक्रमा कोस एक डिस्टेंस का यूनिट है एक्साम्पल फाइव कोस इट स्टैंडीन किलोमीटर चौदह कोस बयालीस किलोमीटर को एक नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया है Central Government ने तो इसका cultural significance है अयोध्या में जो सरकम एम्बिलेटरी पाथ हम बोलते हैं परिक्रमा मंदिर में आसपास जो घूमना होता है वो तीन तरह की है फर्स्ट वन इज पांच कोस सेकंड इज चौदह कोस थर्ड वन इज चौरासी कोस ये सभी भगवान राम से लिंक्ड है अयोध्या में है बालकंड वाल्मीकि रामायण है जो रामायण के डिफरेंट वर्जनस हैं जो वाल्मीकि जी ने लिखी है उसका बालकंड चैप्टर इट मेंशंस दैट अयोध्या वॉज अर्लियर नोन एज कोशल देश अयोध्या पहले कौशल देश के नाम से जाना जाता था एंड इनिशियली इट वॉज स्प्रेड ओवर फोर्टी एट एंड वॉज लेटर एक्सपेंडेड टू चिरासी कोस और अब ये जो चौरासी कोष परिक्रमा है दिस इज सर्कमेशन ऑफ कोशल देश टचिंग ऑल इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड विद द किंगडम ऑफ भगवान राम उनका जो राम राज्य था उसकी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको टच करता है अगर अब ये ये जो चौरासी कोष परिक्रमा है आप इसको करोगे तो अगर इस रास्ते से आप जाओगे जिसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे बनाया चौदह कोष परिक्रमा ज फॉर द मेन अयोध्या सिटी ऑफ दैट टाइम उस समय की जो अयोध्या सिटी थी वो चौदह कोस परिक्रमा में कवर हो जाएगी एंड पांच पांच कोस परिक्रमा इट्स एम्बुलेट द इनर सर्कल विद इन विच द हार्ट ऑफ राम किंगडम वॉज लोकेटेड तो भगवान राम जी का जो किंगडम था उसका जो सेंटर था जो हार्ट था वो पांच कोस है तो ये डिफरेंट परिक्रमा है जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग करते हैं एज पर द हिंदू बिलीफ अगर कोई इस चौरासी कोस की परिक्रमा को कर लेता है तो वो चौरासी लाख यूनि से मुक्त हो जाएगा जो डिफरेंट बर्थ्स द ट्रेडिशनल बिलीफ इन हिंदू सोसाइटी हिंदूज बिलीव द परिक्रमा ऑफ अयोध्या स्टार्टेड फ्रॉम त्रेता युग द युग ऑफ लॉर्ड राम तो त्रेता युग जो भगवान राम का युग था तब से ये शुरू हो चुकी है परिक्रमा इट इज़ बिलीव दैट किंग दशरथ जो भगवान राम जी के पिताजी थे उन्होंने एक हवन किया था एक यज्ञ किया था दैट वॉज पुत्री पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए ऑन द बैंक ऑफ मनोरमा रिवर सम समी किलोमीटर हों ही वॉज ब्लेस्ड विद फोर सन्स फ्रॉम हेज थ्री वाइफ हम भगवान दशरथ की बात कर रहे हैं द यात्रा इज कवर्ड ऑन फुट विद सम्वेंटी फाइव स्टॉप्स एंड सेवरल प्लेसेस टू रेस्ट तो ऐसी जो जगहें हैं जहाँ पे ये हवन हुआ था ये सारी places will be covered in this Chirashi Kosh prakrama. While the two shorter Parikramas are completed by thousands of devotees every year, जो बड़ी वाली है, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, 100-150 के करीब, mostly sadhus they take this Parikrama. So ये Chirashi Kosh Parikrama के बारे में कुछ कुछ cultural history के बारे में आपको ज्ञान जो आपको exam के लिए जानना है. और इस prakrama में important stops कौन से रहेंगे? These will be Mahadevghat. भगन रामपुर सूर्य कुंड सीता कुंड जनमेजय कुंड अमनीगंज रुदौली बेलखारा टिकैत नगर दुलारी भाग, परसपुर उत्तर भवानी तरबगंज वीर मंदिर तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं विच विल बी कनेक्टेड अंडर दिस नेशनल हाईवे दैट इज बीइंग क्रिएटेड सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड कल्चर चलते हैं नेक्स्ट चेंजेज टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉस तो आप बैंक में पैसे रखते हो तो अगर आपका बैंक बर्बाद हो गया तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे बहुत कम पैसे वापस मिलेंगे बिकॉज ऑफ दीज लॉस अब इनमें चेंजेस किए गए हैं बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे बैंक में जो लोगों के खाते थे दे सफर्ड वन वॉज द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पी एम सी बैंक जो पुणे में महाराष्ट्र में लोगों ने बहुत टाइम तक धरने दिए वहां पे बैंक के बाहर वो बैठे रहे यस yes, बैंक लक्ष्मी विलास बैंक सो so, बहुत सारे बैंक्स के जो डिपॉजिटर्स थे वो पैसे नहीं निकलवा पाए अपने और उनकी कई बार तो करोड़ों में उनकी डिपॉजिट्स थी सारी की सारी गई अब नाउ यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस तो इसको सरकार ने अब चेंज किया है यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किए हैं चेंजेस टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉस टू प्रोवाइड फंड लैख टू एन अकाउंट होल्डर विद इन नाइनटी डेज तो नब्बे दिन के अंदर अंदर अगर आपका बैंक बैंक होने वाला है और उसके ऊपर ने लगा दिया कि अभी आप कोई भी काम धंधा नहीं कर सकते तो 90 दिन के अंदर अंदर लाख तक आप निकलवा सकते हो. अ बैंक फेलिंग इन इंडिया टू अ मैक्सिमम ऑफ फाइव लाख पर अकाउंट एज इंश्योरेंस कवर तो पांच लाख ही मिल सकता है कवर ऑफ 5 लाख पर डिपॉजिटर इज प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन तो ये आपके डिपॉजिट को इंश्योरेंस करता है बैंक अपनी जेब से नहीं देते हैं इट इज इंश्योर्ड बाय द बैंक विद दिस डी आई सी जी सी तो बैंक इंश्योरेंस करवाता है और इस कंपनी को इस कॉरपोरेशन को पे करता है कि अगर कभी भी बैंक बर्बाद हो जाए तो उनके तो उनके डिपॉजिटर्स को पांच लाख तो मिल जाए एंड दिस डी आई सी जी सी इट इज फुली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन डिपॉजिटर्स के पांच लाख से ज़्यादा होंगे खाते में उनके पास कोई भी लीगल री नहीं है वो कहीं पे नहीं जा सकते किसी कोर्ट में नहीं जा सकते अपने फंड्स को रिकवर करने के लिए सो यू शुड बी वेरी अवेयर कि आपके बैंक की हेल्थ कैसी है आई यू हैविंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक जो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है जिनके एन बहुत ज़्यादा हैं सो इन दैट इवेंट आपके भी पैसे का नुकसान हो सकता है अब नाउ दिज डिपॉजिटर्स दे एंजॉय द हाइएस्ट सेफ्टी ऑन दंड्स पार्कड विद अनलाइक द इक्विटी एंड बॉन्ड इन्वेस्टर्स इन द बैंक एन एलिमेंट ऑफ रिस्क ऑलवेज लर्कस ऑन द डिपॉजिट इन केस ऑफ बैंक कलैप्स तो वट दे आर सींग इज कि जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा शायद जिन्होंने बॉन्ड्स खरीद रखे हैं बैंक के सो एज कंपेयर टू दैट डिपॉजिट्स आर सेफ बट काफी नुकसान स्टिल हो सकता है सभी जो हमारे डिपॉजिट्स रहते हैं चाहे वो पब्लिक बैंक्स हो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो लोकल एरिया बैंक्स हो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स रीजनल रूरल बैंक्स आर देयर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इंडियन ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स पेमेंट बैंक्स जो अभी रिसेंटली बनाए गए हैं ऑल दीज डिपॉजिट्स आर इंश्योर्ड बाय द डी और इसके लिए प्रीमियम कौन देता है इस इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देते हैं बैंक्स तो बैंक्स किस तरीके से प्रीमियम देते हैं दे पे टेन पैसे ऑन एवरी रुपीज़ हंड्रेड वर्थ डिपॉजिट्स तो जितने भी डिपॉजिट्स उनके पास हैं उसके दस पैसा फॉर एवरी हंड्रेड रुपीज़ वो डी आई सी जी सी को देते हैं एज प्रीमियम और बदले में डी आई सी जी सी इंश्योर करता है सभी डिपॉजिटर्स के कवर्स अब जो चेंजेस किए गए हैं ये दस पैसे को बढ़ा के बारह पैसा कर दिया गया है फॉर एवरी हंड्रेड रुपीज़ तो अब जो पैसे हैं जो डी आई सी जी सी इंश्योर करेगा वो भी बढ़ गए हैं एंड द कैबिनेट हैज क्लियर एंड टेकन दैट टू फाइव लाख एंड दीज द फाइनेंस मिनिस्ट्री अक्सर डिपॉजिटर्स को आठ दस साल लग जाते हैं अपना पांच लाख रुपया वापस लेते हुए किसी ऐसे बैंक से जो लिक्विडेट हो जाए जो अब नहीं काम करेगा आगे अब इसको कम करके नाइन्टी डेज कर दिया अब जो भी इन डिपॉजिटर्स को मिलेगा नब्बे दिन में मिलेगा तो एटलीस्ट कैन स्टार्ट देर लाइफ राइट विदेस बींग लॉ नाउ डिपोजिटर्स एक माइन्यूट चेंज किया गया है जो डिपॉजिटर्स की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सो दीज वर ऑल द इश्यूज दैट वी है so चैनल पे बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एंड मेंस सो डू नॉट मिस दिस वीडियोस और इन सभी करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए आपके लिए इस मंथ से वी आर नॉट ओनली प्रोवाइडेड द पीडीएफ ऑफ दिस पीपीटी फॉर्मेट लेकिन आपको एक बुकलेट के रूप में भी ये सभी इश्यूज रिविजन के लिए मिल जाएंगे ऑन आर टेलीग्राम चैनल द नेम इज लॉन्च पैट एजुकेशन सो इफ यू यूज टेलीग्राम आपको सर्च करना है लॉन्च पेड एजुकेशन वो एक पब्लिक चैनल है आपको मिल जाएगा एंड नेक्स्ट मंथली करंट अफेयर के लिए और बाकी इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर वीडियोज़ के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे